क्या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मिट्टी के बर्तन में पानी पीना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में साग बनता है, वो बाकी किसी भी बर्तन में नहीं बनता। अभी भी कुछ लोग जो पुराने लोग हैं वो नहीं ये केमिकल यूज करते, अभी भी वही गोंद से और वही मिट्टी से वो लोग इस्तेमाल करते। आप हमें आज क्या क्या बताएंगी? मैं बहुत सारे नुस्खे बताऊंगी बेटा, मिट्टी से बालों को क्या फायदे। मेकअप समटाइम कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा मेकअप अच्छा लगता है और कुछ लोगों पे बहुत कम मेकअप अच्छा लगता है। बेस का सही सिलेक्शन नहीं करते हो और आप बेस ज्यादा लगाते हो तो लाइनें आ जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा इसमें अगर कुछ और भी ऐड करती ना बेस के साथ 36-38 का मिक्स करते तो एक क्रिएट हो जाता। अभी थोड़ा सा है 19-20। आज का टॉपिक तो आप सबको मालूम है कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जादू है या नहीं है। आज के दौर में जादू होता है या हमारे जहन पे ये वहम है, पहले नहीं होता था आज होता है। मैं जहनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जब गफलत में होऊंगा मुझके ऊपर हमला होगा। काले जादू में मौत है जिसकी आप बात कर रहे हैं और वो मौत खौफ की मौत है। मेरे हाथ में हो एक अनार और सामने हो 100 बीमार तो ये अकेला काफी है। ओए होए। पुदीने का पेस्ट डाला था और उसके बाद हल्दी की हमने एक चुटकी डाली थी, लेमन के सिर्फ 5 ड्रॉप डाले थे, दही इतना डाला था कि पेस्ट बन जाए। ये आपके कलर को भी थोड़ा साफ करता है। आपने आधा टोनर लिया और आधा इसमें डाला है अर्के गुलाब, 5-6 अनार के फूल डाले, कीकर की फली, कीकर ये तकरीबन 2 अदर डाल देंगे आप, इसको तोड़ के डालेंगे, फेस को वॉश करें, क्लेंजिंग करें और इसको लगा लें। असद अनवर एंड अनम फयाज। नजर लगाएंगे दोनों। अच्छा, कौन सा फीचर अनम का सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? आईज। अनम की कौन सी आदत सच्ची में बाकी बहुत बुरी लगती है जो आज तक ना बताई हो? इसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन। लोगों के लिए आज का प्रोग्राम है बहुत खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे नारियल यानी कोकोनट पर। नारियल की कमालात बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के इसमें क्या क्या छुपा है। खानों में जायके के लिए नारियल को इस्तेमाल किया जाता है। नारियल हाजमे के निजाम को दुरुस्त करने में भी खासी मदद करता है। इसके इस्तेमाल से आंतों और जिगर के अफाल में भी बहुत बेहतरी पैदा होती है। नारियल के पानी को बहुत शौक से इस्तेमाल में लाया जाता है। नारियल के पानी को खास तौर पर गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको पूरा दिन गर्मी का एहसास नहीं होने देता। नारियल में यह भी खूबी है कि आपको ठंडक के साथ साथ आपकी जिल्द के दाग धब्बों के निशान को भी दूर करता है। नारियल का तेल आपके बालों को इंतहाई मजबूत बनाता है। आज के प्रोग्राम में देखिए और नोट भी कर लीजिए नारियल और उसके कमालात, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। कैसा गुजरा बाय द वे, तालियां बजा के बताएं। और सच्ची बात, ठीक है, अब जिनका अच्छा नहीं गुजरा, बोरिंग गुजरा, बुरा गुजरा, वो तालियां बजाएं। अजीज ने मुर्गियां क्या दे दी 4, उसके अब दिन बुरे गुजरने लगे। सिर्फ अजीज के अलावा किसी ने तालियां नहीं बजाई, है ना? अच्छा, किसने ऑडियंस में से 1-2 लोगों ने तालियां बजाई थी, किसने बजाई थी? आपने। आपका वीकेंड अच्छा क्यों नहीं गुजरा? Because I am not feeling well. अच्छा, क्या हुआ तबीयत को आपकी? बस थोड़ा सा फीवर और थोड़ा सी बस इन्फेक्शन वगैरह। बस फीवर क्यों जा से आपने देर वीकेंड अच्छा नहीं? एक्चुअली बहुत ज्यादा हैट्रिक था, होता है मेरा डे ना उधर तक कंप्लीट, ठीक है, 7 o'clock से। अच्छा, अगर आपको बुखार ना होता है, आपकी तबीयत ठीक होती तो आप क्या करती? मैं अपने संडे के सारे काम कर लेती हूँ। तो संडे के क्या काम थे? मेरे होते हैं, मेरी कुकिंग होती है, ओके, और मेरा ये होता है कि उसके गेस्ट आ जाते हैं मोस्टली संडे वाले दिन। वाओ, और मीठी मीठी जालिम है, मेरे घर पे गेस्ट आए, सिंधियार मेरा भांजा उसका बर्थडे था और ये लोग मुझे ठट्टा लेकर गए और वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं। मैं तो कुकिंग करती हूँ गेस्ट आते हैं। अभी टीजर चलेंगे क्या? कुकिंग करती रहती हूँ, कुकिंग करती। अच्छा, मैं बाय द वे आपको बता दूँ, सच बताऊँ मैंने क्या किया, अब सबको बता रही हूँ, बता दूँ मैंने क्या किया, बताऊँ ना यार, मैं ज़रा बताऊँ। अच्छा, कल क्या हुआ कि मेरे घर वाले और सारे, क्योंकि खाला भी आई हुई थी, कज़न्स थे सब,
तो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं यार कल मैंने इतनी ट्रैवलिंग की है और शोज़ रिकॉर्ड करके आई हूँ तो मैं थक गई हूँ, तो संडे मुझे घर पे गुजारना है और मुझे नहीं जाना ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है घर पे आप बैठो और आराम से। मैंने अपना रूम साफ किया, ठीक है, और नीचे वो पूरा फ्लोरिंग जो था उसको, फ्लोर को साफ किया, मतलब पोछा लगाया, ठीक है, वो किया जो कि मैं करती हूँ। एक अभी तो वाव रहता है मेरे दोस्त, अभी रहता है, संभाल के रखो वाव, वरना नए लव नहीं मिलेंगे। उसके बाद मैंने ऊपर वाला लाउंज जो था, कभी कोई नहीं होगा, कोई मग रख लेता है, कोई ट्रे रख लेता है, कोई कुछ रख लेता है, कोई कुछ, वो मैंने सारा साफ किया, ठीक है। उसके बाद मैंने बाथरूम धोया एक, नहीं 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 बता रही हूँ, आगे बता रही, बारी वाली बताऊंगी ना, मतलब थोड़ा सा सबर करें ना, बता रही हूँ। उसमें पूरा तेजाब गिरा के और पूरा नीचे फ्लोर पे गिरा के, फिर मुझे पता चला था कि बेकिंग सोडा जो है उसको ना आप टंकियों पे और फ्लोर पे लगाएं तो बहुत अच्छा साफ चमकदार हो जाता है, वो सबरीन ने मुझे बताया। वैसा तो नहीं चमका जितना वो छोड़ के गई थी कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चमका। वाह क्या बोर्निंग एंजॉय करी थी, मुझे बहुत मजा आया। मैंने फिर बाथरूम धोया, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, वहाँ पे चीज़ें रखी गई, सब ये किया। फिर मैंने कहा नीचे वाला जो बाथरूम है जिसमें गेस्ट वगैरह भी जाते हैं सब होता है, क्योंकि कल संडे था, मासियाँ नहीं आती, मैंने कहा कोई अचानक मेहमान आ जाए, कुछ आ जाए, फिर मैंने वो वाला बाथरूम भी धोया। बहुत दिन बाद, नहीं मतलब मैं अक्सर करती हूँ ये, बताती नहीं हूँ, ठीक है। फिर मैंने लाउंज जो था, इन सब ने क्या किया, नाश्ते वास्ते करके और खाने वाने खा के ये निकले सारे लोग, सारी डाइनिंग टेबल पे ना चीजें रखी हुई है, बिखरी हुई है सब, फिर मैंने वो पूरा लाउंज साफ किया। और आखिर में काम बचा ये कि मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, और मेरे पास वो, अब सबको पता है कि वो जो डॉग्स हैं क्या, जो कि डॉग्स तो नहीं, मैंने मतलब डॉग्स ही हैं, मतलब वफ़ादार होते हैं, तो ब्राउनी और माइलो जो थे, अब उनकी वजह से हल्का सा थोड़ा सा रूम में ना, तो भाई डांटता देखो तुम्हारे कुत्तों की वजह से बदबू हो जाती है। फिर मैंने इतना सारा एक जगह पे वो जो ऑयल बर्नर्स होते हैं जो मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए, उस दिन मैं ख़रीदने भी बहुत सारी थी, फिर मैंने पूरे घर में खुशबू कर दी। मेरा भाई कहता है मैं कमरे से निकला, मैंने कहा यार इतनी खुशबू, मैंने कहा जी मैंने किया है। और इस पूरे चक्कर में मैंने सारा दिन सिर्फ चाय का कप पिया और कुछ नहीं खाया, और फिर टीम ने मुझ पर एहसान करके उनकी मेहरबानी हलीम भेजा, और रात में हलीम खाया, थोड़ा सा दूध पिया, मैं सो गई। तो ये मेरा बेस्ट जो था वो वीकेंड था, मुझे बहुत मज़ा आया, और सफाई करना मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये सब किया। और माइलो और ब्राउनी को ज़रा साइड में कल मैंने लगा के रखा था, मैंने कहा तुम लोग ज़रा साइड में हटो, कल माइलो और ब्राउनी में खुद बनी हुई थी, ठीक है। अच्छा जी, आज हम कोकोनट पे शो कर रहे हैं, जो हमेशा से मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि इतने फ़ायदे होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि मैं अभी कभी किसी मार्केट में चली जाऊँ, या बीच में मैंने कीटो डाइट शुरू की थी कि मैं ज़रा वज़न कम करूँ, और मेरा बहुत तेज़ी से वज़न कम हुआ था, तो उसमें मैंने नोटिस किया कि मेरे पास जो रोटियाँ आती थी, जिनको वो कहते थे चपाती आएगी या नान आपके पास आएगा, वो कोकोनट का होता था, वो रोटी जो होती थी वो कोकोनट की रोटी बनी हुई होती थी, और मैं वो खाती थी, ठीक है। सालन था, उसमें अक्सर वो जो कोकोनट करी मिलती है, हम कहीं बाहर चले जाए वो क्या वो सब, तो वो होता था, और फिर वो मुझे कॉफ़ी भेजते थे, ठीक है, कॉफ़ी 3-4 मुझे कप्स का वो भेजते थे, और मैं कहती थी इसमें मुझे क्या डालना है, उनका सिर्फ पानी डालना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोकोनट मिल्क डला हुआ है। कोकोनट मिल्क एक तो फैटनिंग नहीं होता, और बहुत फ़ायदेमंद होता है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी सेहत के लिए। तो कोकोनट ऑयल का तो हमने बहुत सुना था, लेकिन आज हम आपको कोकोनट मिल्क के बारे में बताएंगे। कोकोनट का पानी, आप सबको पता है कि आप अगर पानी कम पीते हैं, जब एक और डाइट जो होती है, वो जो डिटॉक्स वाटर आपके पास आते हैं, डिटॉक्स जूसेस आपके पास आते हैं, तो एक जगह से मैं वो मंगवाती हूँ, तो मेरे पास दिन में आते हैं 7 जूसेस, ठीक है। वो मैं कभी कभी 2-3 महीने में एक दफ़ा करती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा एकदम से वज़न बढ़ गया, तो मैं कम करने के लिए, वो 3 दिन की डाइट आपको होती है कि आपने सिर्फ जूसेस पीने होते हैं, वो आपको इतना फुल कर देते हैं। उस ये होता है कि पानी की कौन मतलब उसमें भी कोकोनट वाटर भेजते हैं। अगर आप पानी कम पीते हैं और आपने उसकी जगह पर एक ग्लास पानी पिया, तो वो तकरीबन बराबर हो जाता है, और कोकोनट वाटर से आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। एक दफ़ा जब मैं इंडिया गई थी, वहाँ पे भी ये बहुत कॉमन है, श्रीलंका और इन मुल्कों में, शहरों में कह रही हूँ, इन ममालिक में बहुत चीज़ें कॉमन है, तो वहाँ पे मुझे लोग कहते थे कोकोनट वाटर डेली पियो। अब वो कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, बहुत सस्ती है,
ठीक है 35 रुपए का होगा, 40 रुपए का होगा, तो वो आप खर्च कर सकते हैं, तो वो आप लोग ज़रूर पिया करें। उसमें लोग कैलोरीज तो होती नहीं, बल्कि उसमें तो बहुत कम, लेकिन बहुत मतलब बहुत फ़ायदे ही होते हैं उसमें। मतलब इतने सारे ग्लास पानी किए, मुझे पता है आप लोग नहीं पीते, नहीं पी सकते। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं इतना सारा पानी पीऊँगी, और आखिर में बिल्कुल नहीं पीती। तो अब मैं सोचा है कि यार कोकोनट वाटर पी लूँ, चलो ये 4 ग्लास का फ़ायदा कम से कम मुझे 1 ग्लास में तो मिल जाएगा। तो मैं मज़ीद अपने एक्सपर्ट से बात करूँगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि कोकोनट के जो सीड्स हैं यानी बीज जो हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, कोकोनट के जो पत्ते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, और अगर उनके नुकसान भी हैं तो वो भी हम जानेंगे। ग्रीन वाला जो कच्चा कोकोनट होता है उसके क्या फ़ायदे हैं, पक्का हुआ जो कोकोनट होता है उसका क्या फ़ायदा है। उसका एक फ़ायदा मुझे पता है कि घर पे अगर झगड़ा हो, फड्डा हो, कोई आपको पसंद ना हो, उसके सर पे तो मार सकते हैं आप, ये तो मुझे फ़ायदा पता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। उसके जो बाल होते हैं ऊपर से, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। छिलका, ये बाल होते हैं और छिलका जो होता है ना, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसको जला के ये लोग पता नहीं क्या क्या हमें बताते हैं। तो आज हम कोकोनट पे शो कर रहे हैं, और कोकोनट ऑयल का मैं आपको बताऊँ कि एक तो कोकोनट ऑयल वही होता है जो आप, हमने बहुत तारीफ़ सुनी है कि जी ऑलिव ऑयल पिए, ऑलिव ऑयल खाएं, ऑलिव ऑयल जो है वो खाने में डालें, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस आ गई कि उस पर खाने नहीं पका सकते, उसको इतना जला नहीं सकते, उसको आप सलाद या उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अब ये रिसर्च के मुताबिक सबसे फ़ायदेमंद जो ऑयल है कुकिंग के लिए वो है कोकोनट ऑयल। ठीक है, उसको जितना पकाएं और उसको, उससे आपका मोटापा नहीं होगा, उससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी। और दूसरा ये कि कोकोनट ऑयल आप दांतों पे भी लगा सकते हैं, बाय द वे ये मैं आपको बता दूं। और एक और चीज़ जो मैंने शो में सुनी थी और मुझे नहीं पता इन्हीं में से किसी एक्सपर्ट ने बताया था किसी और ने, कि आप ब्लैक कॉफ़ी लें और ब्लैक कॉफ़ी में 2 चम्मच जो है वो कोकोनट ऑयल डाल के उसको मिक्स, हाँ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो बिल्कुल जो क्लियर होता है, बिल्कुल जो जम जाता है सर्दियों में, ये वाला, ठीक है, वो आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। वो आप 2-3 चम्मच लें तो 1 हफ्ते में आपका 1-2 केजी आराम से कम होगा। ये मैंने ट्राई भी किया था, लोगों ने कहा टेस्ट बुरा लगता है, मैंने ट्राई किया था जो कि वाकई मुझे इतना कोई टेस्ट बुरा नहीं लगा। जब आपको कोई चीज़ करनी होती है ना, आप कर लेते हैं। हम बहुत सारे काम और भी करते हैं जिसमें मुश्किल भी होती है, लेकिन जब सेहत की बात आती है तो हम सुस्त पड़ जाते हैं, तो खुदारा सुस्त ना पड़ें। और पैकेजेस हमने आपको दिखा दिए, जो शो मैंने रिकॉर्ड किया, बहुत ज़बरदस्त शो था, बहुत इंटरेस्टिंग शो था, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन पहला मेरा ख्याल है मैं वो आपको दिखा दूं, और उसके बाद कोकोनट का ये जो हमारे पास ड्राई ये कोकोनट होता है इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊंगी। खोपरे का मैं बता रही हूँ आपको, बीज का फ़ायदा किसी ने नहीं बताया होगा आज तक, कोकोनट के पत्तों का फ़ायदा आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इस तरह हमने जो कोकोनट मिल्क है उसका फ़ायदा आपको किसी ने नहीं बताया होगा। कोकोनट का ये फूल जो लगा रखा हुआ है ये, इसका कोई फ़ायदा है नहीं है ये मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मुझे इसका फ़ायदा पता है, इसका मुझे इतना फ़ायदा नहीं पता ये, बट मुझे खाने में पसंद है, ये मैं खाती ज़रूर हूँ। लेकिन अभी ईसा भाई इसका मुझे फ़ायदा बताएंगे, तो ईसा भाई हमारे साथ हैं, ईसा भाई के लिए तालियां। सेफ परा हमारे साथ है, और जब एक्सपर्ट्स आते हैं मुझे लगता है आप सबको जानते हैं, तो मैं इनके नाम क्या बताऊं, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है, हमारी जान डॉक्टर बिल्किस, हम सबका मान डॉक्टर खुर्रम मुशी, हम सबकी शान उमर आली, ओके, और सुंदर मेरी सुतेली है ना। अच्छा मैं टीजर दिखा दूं, उसके बाद बाकायदगी से अपने शो का आगाज करते हैं जो हमने रिकॉर्ड किया, और फिर आपको बताएंगे नारियल के पूरे खानदान का, पूरा हमने हिस्ट्री निकाली, पूरा खानदान, दादा नाना दादी परदादी सब निकाल कर आए हम नारियल का, कजिन्स उनके पड़ोसी सबको निकाल कर आए और उनके फायदे बताएंगे। जरूर ये नोट कीजिएगा, इसके मैं आपको टाइम दे रही हूँ, पेन और पेपर अपने पास रखें, लिखिएगा अगर फायदा ना हो पैसे वापस। चले दिखाएं, यहाँ पर एक मज़ार पे मौजूद हूँ जिसको शाह जलाली बाबा के नाम से मशहूर है। 7 रातें यहाँ पर गुजारेंगे और उनकी औलाद तो वो ठीक हो जाएंगे। तुम पे हाजिरी आती है, ये पैरों में क्यों ताले बांधे तुमने, अपने आप को गला दबाता है।
जहाँ पर लोग अपने असरात जो उन पर हैं उनको ख़त्म करने के लिए आते हैं। जो बुजुर्गाने दीन होते हैं, साहिब मजार होते हैं, वो फैज अता फरमाते हैं। तुम चक्कर लगा रही थी, तुम्हें क्या लग रहा था किसी ने सर किया तुम पे? बैठो बैठो, शाबाश, छड़क लो अपने मुंह पे, मलो। ओके, ये शो आप ज़रूर देखिएगा बहुत जल्द। अभी मैं इस शो के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, आपने अगले हफ्ते तक का इंतज़ार करना है और ये शो देखना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी सोच जो है वो चेंज हो जाएगी, आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी, हकायक मालूम होंगे, आपकी भी ज़िंदगी आसान होंगी, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी आसान होंगी। सिर्फ ये शो बैठ के और 10 मिनट सोचिएगा, और 10 मिनट हम सब कहते हैं ना कि हम अल्लाह ताला के करीब हैं, अल्लाह ताला से बात करते हैं, बात करने की कोशिश कीजिएगा। ट्रस्ट मी, मैं अब इस शो के बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये शो आप ख़ुद देखें और फिर फैसला करें और फिर मुझे कॉल करके बताएं कि आपने इस शो से क्या सीखा, आपको इस शो से सीखने को क्या मिला। और ये शो करना मेरे लिए शायद जो मैंने ज़िंदगी में मुश्किल तरीन शोज़ किए होंगे उनमें से एक शो ये था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और फरहान ने कहा चलो मैं तो अपनी कुकिंग शुरू करूँ, यहाँ से पहले कि मेरे पास कुछ आ जाए। स्टार्ट कर लो, एक बात कहनी है मुझे, ये बात कहनी है, आपने सबको कहा कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा, आपका वीकेंड कैसा गुजरा। मैं आपको बताती हूँ मेरा वीकेंड ऐसा गुजरा कि मैंने वीकेंड पर आपका एक शो, आपका एक इंटरव्यू था, वो मैंने सोशल मीडिया पर देखा और फिर उसके बाद वो उन्होंने उसका एक 24 मिनट्स का एक पार्ट था जो उन्होंने अपलोड किया था, और फिर मैं वेट करती रही कि यार ये दूसरा दिन कोई, मैंने 100 मरतबा जो है ना वो जाकर यूट्यूब पर देखा कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। फिर जब वो दूसरे दिन आया तो मैंने देखा और मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे और मुझे आपसे और बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। थैंक यू, वही मैं कहती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। मैं कहती हूँ ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, शायद वो दिल से बात की गई थी तो इसलिए लोगों के दिलों पे उसने असर किया। मतलब और मासूम सनम बलोच, लेकिन मैंने ये भी तो बताया कि टीम को मैं लड़ाई करती हूँ, झगड़ा। आपने ये भी कहा कि मैं अपनी मॉर्निंग शो की टीम से और सारी टीम से बहुत प्यार करती हूँ जो मैं उन्हें नहीं बताती। ओके जी, थैंक यू। डॉक्टर ईसा की तरफ आते जी, डॉक्टर ईसा आप बताइए, आपने कच्चे नारियल पक्के नारियल सब कुछ अपने पास रखा हुआ है। एक्चुअली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों को, सबसे पहली तो कुदरत का बहुत बड़ा इनाम है। अच्छा, जब आप लोग नारियल पे बात कर रहे थे तो मैं कुछ महीने पहले एक कंट्री, उसका नाम है सीचल, सीचल, तो हाँ, तो मेरी आदत है सर्च करने की। मैं एक चीज़ बड़ी मज़े से वहाँ नोट की कि आदमी 20 साल से लेकर जो 80 साल तक के भी थे, किसी का पेट बाहर नहीं था। तो मैंने वहाँ बड़ा सोचा कि भाई, या जाहरी बात है खाते भी बहुत हैं वो, तो मैंने इस पर वहाँ जितने भी सर्च की तो पता ये चला कि उनके खाने में कोकोनट है, उनके पीने में कोकोनट है, उनके लगाने में कोकोनट है। और हमें ये तो पता था, मतलब एज अ हर्बलिस्ट, कि घर में अगर एक किचन है ना आपके, अगर वो अनहाइजिक हो, मतलब उसमें अगर आपके हाइजिक नहीं हो तो आपके घर के अफराद बीमार ज़रूर होंगे। आपकी बॉडी के अंदर जो लिवर है ना, वो भी किचन का काम करता है, ये उसको क्लीन रखता है। यानी कि जो लोग कोकोनट पीने वाले लोग हैं उनका लिवर इतना सेफ होता है। उसका मतलब ये नहीं कि किचन को साफ ना रखें, किचन को साफ नहीं रखना चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि ख्वातीन किचन से ज़्यादा समझती है ना। हाँ। मतलब हमारे बुजुर्ग बूढ़ियाँ जब भी घरों में रिश्ते लेने जाती हैं, दो ही चीज़ें देखती हैं ना, एक किचन घर का, एक बाथरूम। तो ये दो चीज़ें जो हैं जिसमें आपने हफ्ता गुजारा, मेरा भी दिल चाहता था वीकेंड वीकेंड खेलूं, पूरा हफ्ता नहीं गुजारा, संडे का दिन। हाँ तो खैर, अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसके बारे में, टाइम कम होने की वजह से मैं कुछ चीज़ें आपको ब्रीफ करूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका छिलका, टाइम कम है आपको किस तरह, टाइम कम है भाई, देखो टाइम की बात ही है, हमारे पास टाइम कम है, जल्दी जल्दी बताएं। 11 बजे शो खत्म होता है कुछ, बेटा आप लोग भी तो आ गए, आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट है, अब टाइम कम है, अब आप बताएं। ये एक भी शो नहीं कर पाएगा इसलिए मैंने कहा टाइम कम है, बाकी लोग भी, खुरम काफी देर से यूं कर रहा है मुझे दूर से। अच्छा जी, इसके जो ये बाल है जो आप फेंक देते हैं, एलोपेशिया एक ऐसी ट्रीटमेंट है, आप कहीं भी करा के देख लें, बहुत जगहों पर तो इलाज नहीं,
एलोपेशिया यानी कि जिसको आप बाल खोरा कह लें या आप उसको जो भी है। अच्छा, अब इसमें ये छिलका इतना बेहतरीन काम करता है, करना सिर्फ क्या होता है, आपने सरसों के ऑयल में अगर इसी छिलके को, सूखे हुए छिलके को आप उसमें पका कर और ये ऑयल इस्तेमाल करें तो मेडिसिन से पहले आपका एलोपेशिया सही हो जाता है, जबकि ये फेंक देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कुदरत का जो निज़ाम है वो अल्लाह कहते हैं ना सूरह फुरकान में, जिसे चाहूँ बेटे अता करूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ अता करूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने सारे विटामिन भी तो खुद ही उतारे ना। इसकी एक और खूबी बता देता हूँ, बहुत सारी बहनें आती हैं हमारे पास, जैसे चाहूँ उसे बांध रखूँ। हाँ, ये भी तो बहुत सारी बहनें आती हैं, ईसा भाई अल्लाह ताला ने दो बेटियाँ दी हैं, बेटा अगर हो जाए है तो सब अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये भी तो उसी का ही है ना। तो अगर कच्चे नारियल का एक चमचा रोज़ाना, अगर किसी को पता चल जाता है लड़की को कि मैं प्रेगनेंसी में हूँ, और एक चम्मच ये कच्चा नारियल और एक गिलास आधा गिलास दूध रोज़ाना पिए तो अल्लाह ताला नरीना औलाद दे देता है, इसकी खूबी ये भी है। मुझे ये पता था, जिस तरह आपको पता था कि जब बच्चियों को प्रेगनेंसी हो तो उनका जो है ये दूध पिलाएं, सॉरी पानी पिलाएं, तो बच्चे गोरा पैदा होते हैं। बिल्कुल, तो ये मेरी बीवी ने भी सुन रखा था। अच्छा, अल्लाह ताला की कुदरत यह कि उसने इतना नारियल पिया है कि दोनों बच्चे मेरे गोरे हैं, तो पड़ोसन मुझसे पूछती है कि आप ही के बच्चे ना। मैंने कहा मेरे हैं भैर। अब मैंने कहा कि मैं ये बात तो गोरी होगी ना, मां के जाता है बच्चा या नहीं, वो हम दोनों से ज्यादा गोरे। अच्छा, दोनों, माशाल्लाह, ये इसके वाकई असरात है, मतलब करना चाहिए। अच्छा जी, मुझे हमेशा हमारे यहाँ, अब जब तक वो बात नहीं करूंगी ना पूरा दो घंटे मुझे ना एक तकलीफ में रहूंगी। बेटे के लिए तो आपने बता दिया, ठीक है, अब ये बताएं कि जिनको बेटी की ख्वाहिश है वो क्या करें। अब भले कोकोनट से बाहर की उससे बात करें, देखिए बेटे की ख्वाहिश पे ये पिए, बेटे की ख्वाहिश पे ये दुआ पढ़े, बेटे की ख्वाहिश पे वो करें, मुझे उन्हीं बेटों के लिए जो आखिर में आपको छोड़ के चले जाते हैं, बेटियां ज्यादा होती हैं। मुझे अब ये बताएं, अब मुझे ये बताएं कि जिनको बेटियों की ख्वाहिश है वो क्या करें। मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से ये राज मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, चाहे आप जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, मैंने 6,666 आयतों में से, 114 सूरों में से, 88,000 कुरान के अल्फाजों में से कोई आयत नहीं देखी सवाए एक के, जिसमें अल्लाह कहता है कि वह मुबशिर हु, हम खुशखबरी देते हैं उस घर को जहां हम बेटी देते हैं। तो जिस घर को हम बेटी देते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये चॉइस जो है ना अल्लाह ताला उन खुशनसीब घरों के लिए खुद बनाता है, दुआ नहीं है, लेकिन नीचे मिनरल्स वाइटमिंस लेकिन नीचे देखें आयत के जो अल्फाज हैं और हमारी सोसाइटी को ये समझना चाहिए, जहां अल्लाह कह रहा है कि वह मुबशिर हूँ, हम खुशखबरी देते हैं उस घर को जहां बेटी देते हैं, नीचे आयत के हिस्से में अल्लाह ताला कहते हैं देखो तो सही किस तरह ये अपने मुंह बिगाड़ लेते हैं। तो ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह जिसको रहमत और नेमत कह रहा है उस पर मूर बिगाड़ना ऐसे ही है जैसे आप अल्लाह को नाराज कर। अच्छा, ये जो नारियल का जो फूल था, नहीं मैं आपको जवाब दे देती हूँ, ये बताना चाह रहे थे बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, नारियल का तो बताया बट नारियल का फूल जिसमें सारे नारियल, एक तो कच्चा होता है उसके अंदर पानी होता है, ये फूल कपड़ा बन जाता है और इसका फूल है, जब पानी सारा सूखता है तो फूल बन जाता है, वो फूल कभी कभार छोटा कभी कभार बड़ा, वैसे ज्यादातर छोटा होता है लेकिन ये बड़ा है। अगर औलाद की ख्वाहिश सभी को होती है, अब वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, तो ये नारियल का जो फूल है वो रोजाना आप खाएं तो इंशाल्लाह ताला औलादे आपको औलाद अल्लाह ताला ता करेगा, चाहे वो नरीना औलाद हो चाहे वो बेटी हो, लेकिन इस फूल के खाने से बहुत अच्छे रिजल्ट आए, बे औलादी के लिए बहुत बेस्ट है, इसको आप खाएं दुरूद शरीफ पढ़ के, और एक कलौंजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कलौंजी ऐसी चीज है कि आप जो भी नियत करें, आपको कोई भी बीमारी हो, 7 दाने आप खा लें तो वो बीमारी आपको खत्म हो जाती सिवाय मौत के। और एक ये हमने नारियल के फूल का बता दिया के लिए है। मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं तो है ना, नहीं मिला और बिल्कुल नहीं मिला, बेटा या बेटी दोनों दोनों हो सकती है औलाद, तो बेटा बेटी। डॉक्टर ईसा ने कहा कि ये खाने से जो है वो औलादे नरीना जो है मतलब बेटा पैदा होगा। मैं वही कह रही हूँ, जिनकी जिनके सिर्फ बेटे हैं बेटियां नहीं है, बेटियों के लिए अल्लाह ताला ने कौन से मिनरल्स कौन से विटामिंस कौन सी ऐसी चीज में वो खूबी रखी है, दुआ रखी है, कोई दुआ करे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तो वो बताएं ना, अभी बताएं ना मुझे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि शायद ये छोटी चीजें पड़ जाती हैं, सूरह मरियम पढ़े तो अगर खाए तो बेटों के लिए भी पढ़ते हैं, औलाद के लेकिन मैं खैर खैरियत से बच्चा पैदा। अच्छा चलें, बता मैं ये कह रहा हूँ कि ये आयत की जो चॉइस है ना ये खुद इतनी बड़ी पावर है
कि शायद वो विटामिन्स और वो जड़ी बूटियां कम काम करेंगी जहां अल्लाह ये कह रहा हो कि मैं खुद चूज करता हूँ उस घर को। देखिए अल्लाह ताला ने फतह हासिल करने के लिए और जो हम लड़ते हैं ना ये चीज चाहिए उसके लिए एक चीज, लेकिन आपको वो चीज मिल जाएगी मुझे सही तरीके से। अब ये डिस्कशन थोड़ी सी आगे जा रही है बात की और, लेकिन आपने अभी खुद ही एक आयत और एक कुरान की वो सूरा जो है उसको हमें आपने रेफरेंस दिया, ठीक है, जिसे मैं चाहे औलाद दूं, जिसे चाहे बेटा दूं, जिसे चाहे बेटी दूं, जिसे चाहे ना दूं, जिसे चाहे दोनों मिला के, ठीक है। और आपने ये कहा कि वो बेशक अल्लाह के हाथ में ना औलाद देना या ना देना, लेकिन बेटा या बेटी क्या वाकई इन चीजों से खाने से, उसका भी आपने चलो बताया कि मिनरल्स ऐसे होते हैं, ये होता है वो होता है, वो हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है, ठीक है, अल्लाह ताला की ये बात है ना, अगर हम जाते हैं सही बुखारी में, क्योंकि आप स्कॉलर हैं माशाल्लाह, वो भी मुझे पता है, आपके साथ बहुत सारे शोज किए हैं, सही बुखारी में जाते हैं किताबुल मर्ज में हदीस नंबर 5678 है, अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो उतारता ही नहीं उस बीमारी को जिसका इलाज नहीं उतारता। सही बात, ठीक है, क्या बात है। अच्छा बीमारी भी अल्लाह उतार रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं इलाज पहले, ठीक है, तो बेसिकली इस सारी चीजों में भी तो इलाज है ना, और बे औलादी का भी इलाज है, तो बेटा बीमारी नहीं है, बेटियां होना और ख्वाहिश है आपकी, बेसिकली मिसाल के तौर पर, नहीं नहीं सुने, अगर अगर किसी, हाँ क्योंकि अब जब तक ये बात नहीं क्लियर होगी कोकोनट गया बाहर में, मैंने नहीं शो करना, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, अगर किसी एक बहन के फोलिकल्स नहीं है, हाँ, नहीं औलाद हो सकती, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आ रही हूँ आपकी तरफ, अब ये बीमारी में आएगा ना, हाँ, एक फोलिकल ही नहीं औलाद नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, किसी, नहीं हो सकता, किसी इंसान में स्पर्म काउंट नहीं, औलाद नहीं हो सकती, बिल्कुल, इसका मतलब बीमारी है, यहाँ आपकी दुआ भी है, यहाँ आपकी दुआ भी ज्यादा है, बट ये बेटे के लिए आपने बताया ना, नहीं तो इसमें जो उसकी खूबियां होगी वही बताऊंगा ना, नारियल जबरदस्ती बेटी के लिए डाल, तो मैं वही कह रही हूँ कि कोई नारियल के अलावा कोई ऐसी चीज बताए जिनको बेटियों की ख्वाहिश हो तो वो इस्तेमाल करे, मेथी के पत्ते, शुक्र बता दिया, आज मेथी का शो नहीं था। मेरा, नहीं नहीं मैंने ये जुमला बोला कि नारियल के अलावा भी, मैं भी समझदार हूँ, मैं भी होस्ट कर रही हूँ शो, मुझे भी पता था, लेकिन क्योंकि वो जड़ी बूटियों के ऊपर इतना काम कर जाती है ना, वो बस ये अकाइद के ऊपर मेरा अकीदा है कि फूल आप जिस नियत से खाए अल्लाह ताला वो आपको औलाद देता है। बिल्कुल आप ही बोले अब, अच्छा बोल के लब आजाद है तेरे, बिल्कुल, असल में ये है कि हर चीज का ब्लेम हम औरतों को दिया जाता है, अब तो साइंस ने भी ये प्रूफ कर दिया है, कुरान हकीम में तो था, बेटा या बेटी देने का इख्तियार अल्लाह ताला को है, लेकिन बेटा एक्स डबल एक्स सेल्स और वाई सेल्स एक्स वाई, तो ये हम जो औरतों को ये खा लो ये खा लो ये खा लो कहते हैं, बिल्कुल हिकमत में बहुत बड़ी अल्लाह की शान है, लेकिन मर्द को इलाज कराना चाहिए डब एक्स सेल्स के लिए भी वाई सेल्स के लिए भी, हाँ। तो जो चीज़ है वो होता है कि उससे पहले जैसे आप कहती है ना बेटी हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि औरत स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर उसको गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है, मर्द को जो है फिर बंद गोभी अंबर खजूर जो चीज़ें हम कहते हैं कि जरासूम में पैदा करने के लिए जो वाई सेल्स को बढ़ाने के लिए चीज़ें होती वो नहीं देना चाहिए, इख्तियार सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं, किसी लेकिन को नहीं, लेकिन अगर कोशिश करना है किसी को, अगर बेटी चाहिए तो खवातीन को चाहिए कि वो फिर गोश्त का इस्तेमाल कम करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करें, तो ये जो चीज़ें होती है ना उससे फिर एक्स और वाई सेल्स का जो होता है, मैं कहती हूँ एक सेहतमंद औलाद चाहिए, वो बेटा हो बेटी हो चाहे बेटा हो, खुदा के हाथ में है, बस एक सेहतमंद औलाद, बस इसमें खुशी लेकर साहब आने साहिलीन औलाद जो यानी के साले औलाद की दुआएं ना, बिल्कुल हम लोगों को वो करनी चाहिए कि अल्लाह जो भी औलाद दे वो साले दे, जो माँ बाप की आंख की ठंडक हो, ठंडक हो, बिल्कुल, दुआ भी मैं हर औरत को ये कहती हूँ, आपने मांगना है तो ये कहना या अल्लाह मुझे नेक साले उम्र, अच्छा जी अगला शो बच्चों में करेंगे, अभी ये सुन ले, चलो सुनाए, तो शुरुआत आपने की थी, खत्म हम करेंगे बात को, चले जी, अच्छा ज्यादातर हमने क्या देखा सीचल में जो मैं बता रहा था कि ये कोकोनट मिल्क में वहाँ पर ज्यादा खाने बनते हैं, अच्छा ये आपकी बॉडी के अंदर फैट को जमा नहीं होने देता, अच्छा इससे लोग ये भी समझते हैं कि भाई फैट बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये मत समझिएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल अगर आपके पास नहीं है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये उसको स्टोरेज नहीं होने देता, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये भी है। उसके अलावा अभी सनम बात कर रही थी, ये जो ऑयल है ये क्योंकि पाकिस्तान में ज़रा नहीं निकलता, उसकी रीज़न ये है कि इसकी कुछ मशीनरी होती है, ये जो कच्चा नारियल है ये वर्जन कोकोनट उससे निकलता है, और जो हम नारियल खाते हैं उससे ये कोकोनट ऑयल निकलता है, किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल किसी भी स्टोर से मिल जाता है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि इसका पीने का जो तरीका है, जो बहनें चाहती हैं पेट ज़रा अंदर हो जाए
मैं ज़्यादा एफर्ट भी ना करूँ, थाइस का मसला होता है, तो आप चाहें तो घर की वो जो चाय बनाते हैं बगैर दूध के, उसमें भी सुबह शाम एक टीस्पून पी सकते हैं, कॉफी में पी सकते हैं या ग्रीन टी में पी सकते हैं, बिल्कुल, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। आपका वजन कम होगा। हाँ जी, ड्राइनेस कम होगी सर्दियों में तो ज्यादा। आजकल जो है वो ये जो वेदर है, अब जिनकी ऑयली भी स्किन रहती थी वो ड्राइनेस की तरफ जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह वहाँ जब अपने काउंटर पे जाएंगे तो एक ऐसी आपका काउंटर नहीं है, नहीं मेरा वहाँ पे भी जाएंगे, मुझे खोपरा बेचने के लिए आज यहाँ रखा गया। अच्छा, वो तो मैंने खोपरा अच्छा बेचा है जी। कोकोनट ऑयल जो है ये जल्दी जल्दी बताएं डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक लेना है। बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इससे मल्टीपल यानी कि आज सारे एक्सपर्ट बनाएंगे इससे रेसिपीज, किस किस तरह आप बनाएंगे, मल्टीपल चीजों में काम आता है। पत्तों के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा आज तक, बाकी पत्तों के बारे में नहीं बताया होगा और बीज के बारे में। ये शिकायत अक्सर हमने खवातीन में देखी है कि वो सुबह उठ रही है तो सुबह जैसे ही पांव रखा जमीन पर तो एड़ी में दर्द होता है। अच्छा, जब दर्द होता है, जब वो आप चलते हैं तो आस्ता आस्ता वो रिलीव होता है। अच्छा, ऐसी बहनों को क्या करना चाहिए या ऐसे मर्दों को, लड़कों को क्या करना चाहिए? पत्ते खाने चाहिए? नहीं, पत्ते खाने नहीं चाहिए, तू बकरी बना दे सबको। अच्छा, तो पानी का पतीला लेकर आप उसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए जब रखते हैं, इसको चॉप करके उस पानी के अंदर डाल दे, इतने पत्ते भी बहुत है। ठीक है, ठीक है, इतना पानी गर्म हो जिसमें आप पाँव रख सकें, थोड़ा सा उसमें लाहौरी नमक डाल दें, तो पाँव उसमें रखेंगे जब आप दो तीन जब ये एप्लीकेशन करेंगे तो नीचे ब्लड होता है जो आपकी सर्कुलेशन की वजह से आपको ये पेन होता है, समटाइम यूरिक एसिड की वजह से, तो बहरहाल ये उसमें इतना रिलीव करता है, शायद मेडिसिन इतना नहीं करती है जो आप घर में करते हैं। जबरदस्त, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके मजीद बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कोकोनट ऑयल जो है उसका फ़ायदा, कोकोनट क्रीम, कोकोनट मिल्क, वो आपको कहाँ से मिले। हम आपको हमेशा यहाँ पे शो में बताते कि जी कोकोनट मिल्क जो है वो इस तरह बनाएं जो कि आप लोग नहीं बनाते, वो ईजी भी नहीं है, आसान भी नहीं है। कोकोनट मिल्क कहाँ से मिलता है, किस तरह से मिल सकता है, कहाँ से जाके आप लें, वो मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समा के साथ। आई लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर लोग अपने असरात जो उन पर हैं उनको करने के लिए आते हैं, इन पर ये जलाल कब कब आता है? ये घर पे भी आ जाता है, जो बुजुर्गाने दीन होते हैं, साहिब मजार होते हैं, वो फैज अता फरमाते हैं। तुम चक्कर लगा रही थी, तुम्हें क्या लग रहा था, किसी ने असर किया तुम पे? मुझे कुछ नहीं पता। बैठो बैठो, शाबाश, छड़क लो अपने मुंह पे, मारो। हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन, और अब जो है सबसे पहले हम किससे पूछ रहे हैं? हेलो अली लारेब, बिल्किस आपा। ओके जी, बिल्किस आपा आपकी तरफ आते हैं, आप हमें क्या बता रही हैं? अच्छा, और वो जो मैं आपको बता रही थी ना, ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये देखें, ये इस तरह होता है, ठीक है ना, इस तरह आपको शीशी मिलेगी। ये तो ग्रीन रूट्स का है, लेकिन आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ग्रीन रूट्स का भी ले सकते हैं किसी अच्छे बड़े ब्रांड का। और ये इससे बड़ा ब्रांड क्या होगा, सॉरी सॉरी। अच्छा भाई, अब सनम ने जब तारीफ करी दी है ग्रीन रूट के इसकी, तो आज का दिन कम से कम तुम लोगों को 50% ऑफ पूरी कॉम को क्या याद करो, प्लीज हाँ जरूर लीजिएगा। अच्छा, बता तो सर्दियों में थोड़ा सा जम जाता है ये, ठीक है ना। अच्छा जी, बताइए बिल्किस आप क्या बता रही हैं? अब मैं जल्दी जल्दी, अब मैं चीता बन गई हूँ, अब जल्दी जल्दी। अच्छा, हमारी बारी में जल्दी जल्दी, अब सबकी बारी में जल्दी जल्दी, कोई मसला नहीं। मैं बता रही हूँ, मैं आपको एक कैंडल बनाना बता रही हूँ जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, इससे बड़ा अच्छा मसाज होता है। देखिए ये कैंडल रखा हुआ है, ये तकरीबन आपको मिलेगा 10,000 का। इसकी खुशबू अभी मैं सनम पे इसको अप्लाई करके बताऊंगी। और ये इसकी ये जो वैक्स है, इससे क्या होगा कि आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बॉडी रैप करने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एकदम से ड्राई स्किन जो है ना वो सही हो जाती है, ठीक है। अब वही चीज़ मैं आपको यहाँ बनाना बता रही हूँ कि आप घर में कैसे बना सकते हैं। आपने क्या किया, वैसलीन को पिघलाया,
ठीक है, और उसमें आपने डालना है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है, ये आपने दोनों को हम वजन लेना है। आप इसके बारे में एक चीज़ बताऊं जी, मैंने इस ऑयल के बारे में सुना था कि अक्सर जैसे मुझे लगता है कि मेरी भी ये जो नसें हैं, जो रगे है ना, नसें जो हैं ये बहुत नज़र आती हैं, ठीक है, ये देखें हाथ पे भी, तो अक्सर लोगों के मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन, और एक वक्त आता है कि उनकी बहुत ब्लैक ऐसे नसें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उसमें मैंने सुना था कि आप कोकोनट ऑयल लगाएं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वेरिकोजिस में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और उसमें आप बहुत सारे दूसरे एसेंशियल ऑयल्स जो सिनेमन एसेंशियल ऑयल भी थोड़ा सा डाल के कर सकते हैं, उससे आपको पता है सूदिंग इफेक्ट मिलता है। ओके, अच्छा अब मैं जो कैंडल बनाना बता रही हूँ, अभी थोड़ा सा गर्म है, इसमें मैंने सिर्फ दो चीज़ें मिलाई, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है और उसके अलावा मैंने वैसलीन मिलाई है, दोनों को गर्म किया है, अब थोड़ी देर के बाद ये जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जमेगा किस तरह, जो आप कैंडल है वो मुझे दे दें ताकि मैं, आप यहाँ पे थी ना कैंडल, कहाँ गई, यहाँ पे थी ना जी, यहाँ थी, कहाँ है आपने लिए वो बेचारे वहाँ पे खड़े हैं, देखो यार हम ऐसे किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं, वो वहाँ पे उन्होंने लिए, आप दें आपके पास होगी, उन्होंने इतनी तारीफ की 10,000 की सुन के आपने हड़प कर दी सर, हमें चढ़ता गरम गरम ना लगे तुम कहना, इसलिए हमने कैंडल ढूंढ रहे, आपने अपनी ट्यूब उठा ली, आजकल जिस अजाब से खुरम गुजर रहा है ना, इसकी तो खुद की बेचारे की चीजें चोरी हो रही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं इसको जला कर ना, देखिए अभी ये देखिए पूरा लिक्विड फॉर्म में, जैसे ही सही होगा ना थोड़ा सा, मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने कोई सुतली वगैरह कुछ भी लिया और ये रख के ये वाला कैंडल जो इस पे डाल देंगे तो फिर ये वो हो जाएगा, ये वो भी रुई भी बना सकते हैं ना, ऐसे पतली से भी बना सकते हैं, अगर आप इसको, वाह पापा ये तो बहुत मजे का लग रहा है, इस तरह ना वो जो छिलका होता है पके हुए कोकोनट का, पके हुए छिलके पे आप इसको डाल दें तो आस्ते आस्ते जम जाए, ये तो बड़ी जबरदस्त ही होती है, थाई कैंडल, हाँ ये थाई कैंडल, ये सारे ये, अच्छा अब इसमें ये दूसरों से मुनफरिद क्यों है, इतना एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इसमें जो एसेंशियल ऑयल्स है वो बहुत एक्सपेंसिव डले हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ मसाज करना है तो आप ये बना सकते हैं, नहीं तो जेरेनियम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ, इसमें और बहुत सारे एक्सट्रैक्ट होते हैं जो इसके पीएच को उस हद तक ले जाते हैं कि आपकी बॉडी में जल्दी से पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है, मैं इसलिए डाल रही हूँ, अब थोड़ी देर बाद ये जम जाएगा, जम जाएगा तो ये कैंडल की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो मैं आप लोग को बता मैं कर लेती हूँ, ठीक है, अब इसको हम जला लेते हैं, देखिए अभी अगर इसकी शक्ल देखें आप तो ये जो है इस, जो अब इसको गरम करूंगी और ये गरम गरम मसाज होता है बॉडी के, मसाज से क्या होगा, इसके मसाज से स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है, स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है, तो ये आप सबसे मुंह पे लगाएंगे या नहीं, नहीं हाथों पे लगाऊंगी, मुंह पे भी, मुंह पे भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, गरम करके लग सकता है, अपन मुंह पे मैं लगा लूंगी, कैंडल का वो नहीं है ना, किस तरह इसको लाइटर अगर मिल जाए ना तो जल्दी अभी ब्रेक पे जाना है, अभी 1.5 मिनट है हमारे पास, हाँ कागज जला, अच्छा अच्छा हाँ आपा क्या कर रहे हैं, ये कर ले इसके डिब्बे से कर ले, मैं ये कैंडल जला, आ जाओ जरा मेरा हाथ, बस अब छोड़ दो बेटा छोड़ दो, ये खुद ही अपन ही अंदर चली जाएगी, नहीं जाएगी आपा प्रॉमिस, अभी ये वो नहीं हुआ, अच्छा ये खुद ही हो जाएगा, ये आराम से लाइटर आ गया ले लो, हाँ लाइटर दे, 10 मिनट मैंने पकड़ा, 10 मिनट उसको तुम पकड़ के रखो, हाँ चाहिए बात, हाँ लाइटर से मैं जला लेती हूँ, अच्छा आप ये अभी मुंह पे भी लगा सकते हैं, अब पूरी बॉडी पे, फुल बॉडी पे, अच्छा हाथों पे भी, हाँ हाथों पे भी, देखिए ये अब कैंडल जल रहा है, ये सेरेमिक का बना हुआ है, अब ये कैंडल जलेगा, इसको इतनी हीट मिलेगी कि ये जो है मेल्ट हो जाएगा, ठीक है मेल्ट होगा, और फिर इस तरह इसको थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा मेल्ट होने दें, नहीं नहीं फौरन हो जाता, अच्छा फौरन हो जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं जलेगा, आप लाइटर भी देना उससे भी जरा करते हैं ताकि थोड़ा सा, नहीं नहीं हो गया, ओके हाँ आराम से, ये बस ऑयल की तरह ये गिरना शुरू हो जाएगा, देखो पहुंच गया उस तक, अब इसकी लो भी सही हो जाएगी, ठीक है अब ये जो है ये शक्ल में, अच्छा ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, जो लोग बाहर जाते हैं ये मसाज बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है ये आपको तकरीबन पाकिस्तानी 25,000-30,000 रुपए का एक मसाज होता है, तो जो आपको मैं यहाँ बनाना बता रही हूँ, ठीक है देखिए पिघल के ना, हाथ देना बेटा, अरे दे दो मुझ में भरोसा करती हूँ, ये कर लेना कल करना, इसकी हालत खराब हो रही है, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये देखें
ये ऑयल आया? हाँ ये है, हाँ आया सही है। अच्छा अब इसको मसाज, इससे इतना फर्क पड़ता है, वेरिकोजेज हो, आपके बॉडी पेन हो, कुछ भी हो, और ये जज्ब हो जाए। तो ये वो जमा तो नहीं, इस नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, यही इसकी खूबी है, ये जमा जमेगा नहीं, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा हम रिजल्ट वापस आके दिखाते, कहीं में जाएगा हमारे साथ देखते रहेगा सब सवेरे समाज साथ। गुड मॉर्निंग आई लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। धुन पे किसने छेड़ा ऐसा राग, आग लगा दी आग, आग लगा दी आग। ओके जी बिल्कुल साफ है, आप क्या कर रहे थे? अच्छा नहीं, वो मैं नारियल के बाल जला रही। नारियल के बाल? अच्छा कैसे जलाए, वो हमें भी जला के दिखाए ताकि लोग भी उस तरह जलाएं। अच्छा मुझे अननोन नंबर से मैसेज आया, आई एम सॉरी अगर कोई किसी फ्रेंड ने किया तो मुझे नहीं पता कि कॉफ़ी में किस तरह हमने वो जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है कोकोनट ऑयल वो किस तरह इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बताया ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी उसमें या फिर ग्रीन टी उसमें दो चम्मच वो ऑयल डाल के और वो दिन में तीन चार कप टी स्पून हाँ चाय की चम्मच, खाने की चम्मच नहीं, खाना का फिर एक चम्मच। इसका तो आसान सा तरीका होता है, कोई बहुत बड़ा पतीला लेना है अगर घर में आप ये कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये तेज़ी से भड़कती है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने क्या करना है, खुली जगह पर ले जाकर आपने पहले इसको जला लेना है, जलाने के बाद आप बर्तन उस बहुत, मैं तो करती हूँ इस तरह के बहुत आग मुझे देखनी है। अच्छा लगेगी ना, देखो तुम ये रखी हुई चिमटे के साथ, ये रहा ना, इसमें भी आप लोग कुछ कर रहे हैं, ये तो जल गया, बुझ रहा था इसको बुझाने के लिए किया था। कोई बात नहीं, आप लोग हमारा नुकसान कर रहे हैं, कोई बात नहीं फिर जलेगा, देखिए ऐसे। ओके इस तरह जलाना है, ठीक है। ये मैंने ये लकड़ी का नहीं लेना चाहिए, स्टील का लेना चाहिए बड़ा वाला, तो तक ताकि आग नहीं लगे। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज हो गया, आपने बाल जलाया। अच्छा कैंडल ये तैयार हो गई जी, ये कैंडल तैयार हो गई, कोकोनट कैंडल थी जिसे उन्होंने मुझे यहां पे मसाज किया, इतना सूदिंग, इतना मजे का, इतनी अच्छी खुशबू, और मुझे वाकई नींद आ रही थी जब आप मेरा मसाज कर रही थी जी, ठीक है। अच्छा अच्छा अब चम्मच हटा दूं ताकि हम कैंडल का शॉट बना सके अच्छा सा। हाँ देखिए बन गया, बन गया ये इस तरह के कैंडल। नहीं अभी मैंने चाय पी है, बाद में पीती हूँ, ठीक है। तुम पियो सुंदर, सुतेली मैं, तुम पियो। अच्छा अच्छा दूसरी चीज जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि नारियल के बाल आपने जला लिए, ये किस चीज के लिए बता रहे हैं? गंजपन के लिए, गंजपन के लिए, गंजपन के लिए नारियल के बाल जलाए, उसके साथ आपने सुरमा ले लिया, सुरमा जो सौंफ का सुरमा होता है, सौंफ का सुरमा जी, सौंफ का सुरमा वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं तो आप सौंफ जला के उसका सुरमा इसके साथ बना ले। अच्छा सौंफ को जलाया फिर कैसे होगा, सुरमा बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल सुरमा बन गया जी, बिल्कुल हर चीज का सुरमा का मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा सुरमई रंग हो जाए और काला, उसमें कोई मक्खन मक्खन कुछ नहीं डाल, कुछ भी नहीं करना है। आपने सौंफ को जला लिया, आपने उसी तरह आपने नारियल के बाल जला लिए, दोनों को जलाने के बाद कलौंजी और कोकोनट ऑयल दोनों को मिक्स किया, उसमें आपने ये मिलाकर जहाँ गंज पने वाला गाना शुरू किया, अल्लाह को मंजूर हुआ, इंशाल्लाह आपके बाल आ जाएंगे। वाह जबरदस्त, बिल्कुल साहब आपकी तरफ आती हूँ, उमर राहिल आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं लूंगी कॉल्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ? टीवी वालेकुम अस्सलाम, टीवी की आवाज कम कर दें प्लीज। रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। अरे क्या हाल है, आप कैसी हैं? खैरियत है? हम बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप सुनाएं। हम तो आपके कॉल मिलाते हैं लेकिन बस जी कभी कभी हमारी बैड लक है कि हमारी बात ही नहीं हो पाती। बस हमारी बैड लक है, हमारी खुशकिस्मती कहाँ कि हमारी आपसे बात हो। अच्छा आज नारियल के बारे में प्रोग्राम कर रही हैं तो नारियल के बारे में मैंने दो चार चीजें पूछनी है। हाँ जरूर पूछें, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है किसी मर्द ने कॉल करके हमसे पूछ रहे हैं, है ना? ये नारियल का जो इस्तेमाल है वो किस टाइम ज्यादा मुफीद है, नंबर एक। ओके नंबर दो, नारियल से फायदे क्या हो सकते हैं वो हम आपको बारी बारी अभी बता रहे हैं। आप गंजे हैं या नहीं है?
मैं अभी आया हूँ। नारियल के पानी में क्या फायदा है, खाली पेट पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? गुड क्वेश्चन। नारियल कच्चा हो तो इसका इस्तेमाल ठीक है या नहीं है? अच्छा, इसे बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए कच्चा जो हो? फिर भाई आप होस्ट कर ले, शो कसम खुदा के इतने अच्छे सवाल किए हैं। और एक और जी जी Hello? जी जी सुन रहे हैं। और ये किन बीमारियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जिस तरीके से कोई बीमार होता है किसी भी किस्म की, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ मेरी बहनों के भी सवाल हैं, कुछ मेरी भाभियों के हैं, कुछ लेडीज के हैं, कुछ हमारे हैं, हमारा स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। आपका पूरा खानदान जो है यहाँ पे होस्ट करे, मैं समझी आपके सवाल है, भाभियाँ बहनें सब मेरे सवाल हैं। सवाल मेरे हैं। अच्छा अच्छा, सवाल मेरे हैं, मतलब किसी ने मुझे कहा नहीं है कि आप ये पूछे, मैंने खुद ही इसे अभी तो आपने खुद कहा। मेरी भाभियों के सवाल है, मेरी बहनों के सवाल है, मेरी दादी के सवाल है, मेरी नानी के सवाल है। मसाइल हैं सर जी, मसले मसाइल हैं इनके, इनके सवाल नहीं है, ये मैंने खुद वो किया। और तो सर जी उनके मसले मसाइल आपको क्यों पता है इतने? आपको बात ये है कि हमें भी तो पूरे इलाके को देखना होता है। ऐसे मर्द कहाँ मिलते हैं जो अपनी बहनों के, भाभियों के, दादी के, नानी के, पड़ोस के औरतों के मसले भी समझें? आजकल के मर्द तो समझते ही नहीं अपने अलावा किसी का मसला, बीवी का नहीं समझते यार। आप जैसे मर्द हर घर में होने चाहिए, आप जैसे बेटे, भाई, देवर हर किसी के पास होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो मर्द है इनको अपने मसाइल से निकलते नहीं है, होश के मसले नहीं समझते यार। कहेगा आप कभी जिंदगी इसके शो में कॉल नहीं करूंगा। लेकिन बहुत अच्छे सवाल थे। उमर आइल, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये सारे सवाल ला रहे, मुझे रिपीट करवाना ये सवाल पूछने, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप क्योंकि कुछ पका रही हैं, मैं बिल्कुल फिर मैं आपके पास आऊंगी। बिल्कुल मैं पका रही हूँ, जो आपने कीटो डाइट की बात की थी, कीटो डाइट फूड, ठीक है, जो आप खुद अपने घर में बना सकते हैं, नारियल से नारियल की रोटी बनाना सिखाएंगे, नारियल की रोटी, नारियल का पराठा, नारियल की मिठाई और नारियल की करी जिसकी आपने जिक्र किया था, नारियल की कॉफी, नारियल की चाय, बहुत सारी चीजें। बस मैं फिर लास्ट में आती हूँ, आप अभी ये तैयारी करें, आप ये बनाती रहे, मैं आपके पास आती हूँ। शो के बाद ब्रेकफास्ट यही कर लेते हैं। बिल्कुल भी, हाँ हाँ बिल्कुल। ओके जी, उमर राहिल आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। अच्छा जी, अभी जो हम बना रहे हैं नारियल से, जिसके बहुत सारे फायदे, हम बना रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए, छाइयों के लिए, छाइयों के लिए, अल्लाह अच्छा खत्म नहीं होती, बहुत मुश्किल से जाती है। अच्छा, इसमें बहुत आसान है, कोकोनट मिल्क लेंगे और ये बहुत ही आसान है इसको बनाना, और बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन सबको सूट नहीं करती। हाँ। ये एक ऐसा है कि सबको सूट करेगा। ओके। इसमें नारियल का पानी ही डालेंगे, पहले दूध लिया और फिर पानी, इसको डाइल्यूट कर लिया इसके साथ। अच्छा, इसमें एक चीज यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमने डालनी है, वो है विटामिन ए क्रीम। विटामिन ए एक आराम से मिल जाती है और बहुत सस्ती मिलती है, वो डाल दें, नहीं तो उसका जो केमिकल होता है लाइक रेटिनॉल होता है, वो इसमें डालेंगे तकरीबन 5 कतरे। ये बस मिला के आपने रखना है और रात को फेस वॉश करके उसको पूरे चेहरे पे लगाएं, जहाँ जहाँ पे छाइयां हैं वहाँ पे लगाएंगे, मॉर्निंग में वॉश करके सन ब्लॉक लगा लेंगे। अच्छा, कोकोनट ऑयल मिल्क आपने बताया कि हम बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है। एक तो मार्केट से सीधा सीधा डब्बे में आपने अच्छे किसी ब्रांड का ले लें, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं और वो कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता, तो वो डब्बा जो है वो आप ले लें, उसमें आपको कोकोनट मिल्क मिल जाता है, ठीक है, आसानी से बन भी जाता है। हाँ, और बन भी जाता है, तो वो भी मैं बता दूं, लेकिन वो हल्की थोड़ा थोड़ा निकलता है, तो उसमें इतना टाइम लगता है कि लोग कहते हैं इसकी मेहनत जरूरी है। फ्रेश वाला आपने ये नारियल लेना है, फ्रेश वाला ताज़ा, उसको आपने कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद आपने तकरीबन 1 घंटा पानी में भिगो के रख दें, फिर आप ब्लेंडर में डाल के इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, फिर आप कपड़े से इसको छान लेंगे, जो मैंने अभी निकाल के दिखाया है, अभी निकाला है मैंने, फौरन से निकल जाता है और वो आपको तसल्ली होगी कि आपने फ्रेश वाला निकाला। तो इस तरह आपको ये छाइयों के लिए बताया आपने, ये क्या ये जलाया? वो बिल्कुल इसने बता दिया, तो फिर मैं बालों पे नहीं आई। ये बच्चों के, जो बच्चों को गंजा करता हूँ, कहते हैं बाल नहीं निकल रहे, उनके लिए मैं बना रही थी, ठीक है। तो मैं तो वो भी लगा सकते हैं, ये भी लगा। अच्छा, सकते वो तो सबको लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या था कि जो बोरी का एक टुकड़ा है टाट का, इसको हमने जलाया, ठीक है। इसमें नारियल का वही छिलका हमने जला लिया है, जो ये छाल है, ये दोनों जलाने के बाद इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। ये बोरी बोरी कहते बोरी ना? बोरी बोरी को जलाया, ऊन की होती है बोरी, टाट जिसे कहा जाता है, जूट की जिसे कहते हैं, ऊन नहीं होता, नहीं नहीं जूट। अच्छा, इसमें हम डालेंगे अंडे का तेल तकरीबन आधा हिस्सा, सिर्फ 4 चीजें डाली। बोरी कोई, अल्लाह तौबा, समझ तो गए होंगे आपको। बस ये 4 चीजें मिलानी। अच्छा, होता है बोरियों का बड़ा ये, मतलब बोरी मतलब ये वाली ही बहुत फायदेमंद, कास्ट की बात ही कर रही हूँ, पता नहीं किन किन कामों में बहुत ज्यादा फायदेमंद।
इस्तेमाल होता था बहुत ज़्यादा। शुक्र है अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचा के रखे ऐसी। अच्छा इसमें करना कि चार चीज़ें मिलाई हैं हमने, ये तेल इस तरह से बन गया। आपने पहले बोरी और जो नारियल की छाल है वो जला ली है, जलाने के बाद इसमें तेल डाला है दोनों, कौन सा नारियल का तेल डाला है तकरीबन एक कप और एक बड़ा चम्मच डाला है अंडे का तेल। बच्चे को करें गंजा गंजाते ना, और पहली ट्रिंड जो होती है उसके बाद उसको ये अच्छा इसका तरीका ये कि अच्छे तरह से बाल आएंगे, जैसे आप लगाएंगे हेयर लाइन वैसी ही बनती है, मतलब इससे बाल बच्चों के बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ पलकों आईब्रोज लगा सकते हैं, नॉर्मली करते हैं इसको लगा के हम कहते हैं कपड़ा बांध दे, जैसे जैसे आपको हेयर लाइन बहुत लोगों को शौक होता है तो वो वैसे बन जाएगी हेयर लाइन, इसको लगाएं और कपड़ा जरूर बांध दे वरना हर जगह काली काली हो जाएगी। अच्छा पहले गंज के बाद करवा, पहले गंज के बाद दूसरे तीसरे जब दिल चाहे दो साल तक जो है इसको आप इस्तेमाल करवाएं। जबरदस्त दो कॉल से मेरे पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ? जी मैं सारा अली बात कर रही हूँ कराची से। जी सारा अली क्या बात करना चाहेंगी? जी मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। ओके और अभी आपने डॉक्टर ईसा से पूछा था ना ये जो आपने हाथों पे नसें नजर आ रही होती हैं, तो हाँ। इसके लिए भी मालूम करना था मुझे। ठीक है। और मुझे ये मालूम करना है कि मेरे बाल जो है ना पहले बहुत अच्छे थे, ठीक है, लेकिन अब जो है ना उनकी लेंथ बहुत खराब हो गई है, कम हो गई है, बहुत बहुत ज्यादा कम। ठीक मैंने बहुत इलाज करवाया है, लेकिन मैंने हकीम का भी इलाज करवाया है, लेकिन उससे मुझे मतलब हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बालों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत मैं ऑयल भी लगाती हूँ, अंडा दही भी लगाती हूँ, मैं बहुत सारी चीजें अप्लाई की है, मैंने तकरीबन एक महीने तक प्याज का रस भी यूज किया है, तब भी फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अच्छा आपसे डॉक्टर इसे सवाल करना चाहता हूं। अच्छा बेटा मैं एक सवाल कर लूं आपसे? जी आप थोड़ा दो ढाई घंटे काम करें, थक तो नहीं जाती है? नहीं मैं नहीं थकती। अच्छा ठीक है, पानी का इंटेक भी ठीक है? मैं तकरीबन 12 गिलास पानी पीती हूँ, रात में मुझे इतनी प्यास लगती है 4 गिलास में रात में पानी पी लेती हूँ। फर्स्ट क्लास, मैं आपके सवाल का इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। ठीक है बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने कहा था वो नसें, और उन्होंने कहा था उसमें वो दालचीनी का पाउडर डाल के वो भी हल्का सा लगा दिया करें, मैंने सुना उससे भी फायदा होगा। और बालों के लिए डॉक्टर बिल्किस ने भी बताया है, उम्मे राहिल ने भी बताया है, वो लोग वो भी आप ट्राई करें। बाकी जैसे ही हम डॉक्टर ईसा की तरफ आएंगे तो वो मज़ीद हमें बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपने भी दो चीज़ें हमें अभी बताई हैं, आपने भी दो चीज़ें बताई हैं, अब खुर्रम मुर्शीद की बारी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अच्छा सर हम एक बड़ा अच्छा सा ऑयल बना रहे हैं और तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो मस्से निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, लोग डरते हैं। एक तो ये देखिए आपके पूरे जिस्म पे मस्से हो जाते हैं जिसको वॉट्स कहते हैं, WARTS, ठीक है, वॉट्स मस्से पूरे चेहरे पे बॉडी पे एक से दूसरे को लगते हैं, बच्चों में फैलते हैं। अच्छा सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, ख़वातीन में आफ्टर प्रेगनेंसी या वैसे भी मोटापा कम हो या ज़्यादा हो ये स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, ठीक है, पूरे पेट पे आपकी, और आपका अगर आप एक्सरसाइज करते हैं आपके बाजू खींचते हैं और आपकी पूरी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, ठीक है। ये देखिए इसके लिए ऑयल बड़ा इफेक्टिव है, बहुत तेज़ निशान मिटाएगा। और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेच मार्क्स के अलावा, वो आपकी तीन तरीके के बॉल्डनेस कहलाती है, बॉल्डनेस। एक तो ये पाते क्या है आप इसमें? नहीं मैं क्योंकि वो कुछ तरह से नाम वगैरह लिखे होते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा देखिए ये ख्वातीन में होता है, ये कहलाता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, मर्दाना गंजापन, ठीक है। इसके लिए विटामिन्स तो होती हैं। अच्छा ये साथ में क्या होता है कि ये आपके सोराइसिस एक बीमारी होती है जो आपको अंदर अंदर से बिल्कुल बालों को अंदर अंदर जैसे दीमा की तरह खा जाती है, ठीक है। और थर्ड ये देखिए सेबरिक डर्माटाइटिस, और ये है ल्यूकोडर्मा जिसको फुलबेरी भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके होने की वजह से लोग कहते हैं बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त बड़ा सिंपल सा तेल है और इसके अंदर आप बहुत घर के अंदर चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला आपको नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा। आपने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर लेंगे जी नारियल का तेल। जितनी भी चीज़ें बताई हैं सब घर में इस्तेमाल करनी है या कहीं बाहर जाकर इस्तेमाल करेंगे आप लोग? घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने भी जो बताया वो घर में इस्तेमाल होंगे ना? दोस्तों के जाके भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों के घर जाके बच्चे की गंज पे क्यों लगाएंगे काला और कपड़ा बांधेंगे? एक एक डॉक्टर साहब वो बता देना कौन सुन रही है। जी जी आप कौन सुन रही है, खामोश रहे भाई। अच्छा जी पहले सुनम देखो क्या चीज है, बंद सीधे खड़ा डड़ा बना अच्छा नहीं लगता। अच्छा देखिए सबसे पहले नारियल का तेल,
ठीक है, उसके बाद डालेंगे ये हो गया आमले। आज सच बता दें आपकी कमर में कोई प्रॉब्लम है? आप सीधा खड़ा हो जाते हैं। ये नहीं खड़ा रह सकता। अरे मैं एक सेकंड, अच्छा देखिए सबसे पहले पता नहीं सीधा खड़ा हो जाए। नहीं होगा सीधा खड़ा, वो सुन ले कमेंट ये होता है अच्छी नजर की, अच्छी कमेंट जरा जोर से बोले, कैमरा की आंख देख रही है तो उसको झुकना पड़ता है चूल्हे के। हाइट अच्छी है तो झुकना पड़ता है। अच्छा अच्छा चले, ये नारियल का तेल हो गया। अरे अच्छा सर, अच्छा पहले नारियल का तेल हो गया, नारियल नारियल का तेल है, अच्छा ये इसके अंदर है आमले का, आमले का, आमले का तेल है, आमला और सूरजमुखी, ठीक है उसके साथ। सूरजमुखी और आमला पे तो शो नहीं हो रहा, नारियल डाला, नारियल के कॉम्बिनेशन है ना। अच्छा ये आ गई जी, ये आ गई जी चाय, एक चमचा चाय की पत्ती, ठीक है वरना लोग पूरी चाय डाल देंगे। ना 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 ना, अच्छा ये बड़ा आपके बालों को बहुत अफेक्ट करता है, बड़ा जान डालता है। अच्छा ये आ गया जी सुरमा, ठीक है सुरमा तकरीबन एक चमचा। पर हम आप सीधे खड़े हो, मुझे बताते हैं मैं डालती हूं क्या डालना है। अब डालो ये, इसके ये किसके बीज होते हैं बताओ? जामुन के बीज, जामुन के बीज, जामुन के बीज, ये जामुन के बीज जो डाले हैं पूरा साबुत बिल्कुल डाले, कितने एक प्याली छोटी सी? नहीं 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 नहीं, दो तीन, ठीक है। अब इस और एक और, चार गए थे ठीक है। अब रतन, रतन जो डालो ढूंढ लिया उसने, कितना? हाँ ये सही है, बस 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 थोड़ा सा और, ठीक है बस 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 सही है। अब मेथी दाना, ठीक है कितना मेथी दाना? एक, हाँ ये दो, दो चुटकियां, ठीक है। अब इसके अंदर आप बिल्कुल दो चुटकी, नहीं नहीं थोड़ा मतलब जिस तरह मुट्ठी टाइप थी ना ये, ठीक है। अच्छा जी आधा ट्यूब डालेंगी आप इसके अंदर सेलुसिलिन जेल, आधा ट्यूब, यस बस, हाँ सही है। और आधा मास्क है, ठीक है जो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है। इससे अच्छा बालों के लिए बता रहे हैं ये आपकी, देखिए तीन चीजें, कभी आप स्किन के लिए बता रहे होते हैं, कभी ये ट्यूब्स आप बालों के लिए बता रहे होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं मैं वाकई जानना चाहता हूं। बिल्कुल सनम, ये जो बाल हैं ये बड़े, अच्छा आपने सवाल किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो बाल है ये स्किन ही है, उसका एक्सटेंशन है। लोग समझते हैं ये बाल कोई ऊपर से चीज लगी हुई है, ये नाखून लोग समझते हैं अलग सी चीज है, ये छिलका लगा हुआ है, ये छिलका नहीं है, ये ऑर्गन है सबसे बड़ा बॉडी का, और ये उसका जो ऐसा होता है ना फेस फाइव एक्सटेंशन, उसी के एक्सटेंशन है ये बाल, ठीक है। बाकी से हम किसी भी बाल, हमारे बाल अलग है, नाखून उन्हीं को हम लोग। अच्छा जी अच्छा, अब ये हमने तमाम चीजें मिक्स की, अब ये डालेंगे जी हम ये नारियल के बाल, ठीक है थोड़ा दूर जला के। हाँ बिल्कुल, नारियल के बालों को जलाया क्यों जा रहा है? सब इसको जला, इसके अंदर बेतहाशा मिनरल्स होते हैं तो वो तो जल गए। नहीं नहीं, नहीं, नहीं जल नहीं गए, ठीक है। ये तमाम चीजें आपने इस तरह से इसको जब कोई चीज जल किया, जाती है ना उसका जो नमक होता है उसमें उसकी चीजें बहुत ज्यादा आ जाती, लेकिन काफी चीजें हम कहते हैं जल जाती नहीं जलाना चाहिए, लेकिन नहीं ये देखिए, ये देखिए मैं बताऊँ इसके अंदर, देखिये नारियल और जूट जो होते हैं ये जलाकर ही, ये उसकी वजह ये होती है कि ये जो फसलें होती हैं ये छह छह महीने पानी में खड़े रहती हैं फसलें, ठीक है, और ये तमाम चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं पूरे ज़मीन के मिनरल्स, जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं विटामिन, उससे आपके बालों के लिए, जब हम जूट की चीज़ होती है वो छः छः महीने फसल खड़ी रहती है पानी में, जैसे बांग्लादेश में श्रीलंका में, तो उससे क्या होता है कि आपके तमाम विटामिन जो ज़मीन के हैं वो इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये ज़बरदस्त किस्म का, ये बहुत ही ज़ोरदार किस्म का पावरफुल हेयर टॉनिक भी है। अच्छा इसकी दूसरी, अच्छा हमने इसमें ये वाले बीज क्यों डाले हैं? ये जो है इसके ये इरिटेंट है, ये इरिटेंट है, ये गंजा पर दालचीनी भी डाल सकते थे, दालचीनी डाल सकते थे, मगर हमने कॉम्बिनेशन जो रखा है उसके अंदर हम ये बिल्कुल। अच्छा और ये देखें ये तेल, ये पूरे आपके स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है, आपके जो वार्ट्स हैं मस्से, खास तौर पे बहुत सारे वार्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको सर्जरी भी करें फिर बार बार आते हैं, तो उसके लिए अगर आप सर्जरी करने से पहले जहाँ पे आपके बहुत सारी बीमारियों के लिए, तीन चीजों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है बिल्कुल। ये तेल तैयार, ये तो गंजपन के लिए है ना, अच्छा बंद कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा अब मैं आपके सामने ये तेल निकालूं, बहुत मसलों के लिए भी है, बालों के लिए भी है, और जो वो मार्क्स बन जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर छह चीजें हैं एसेंशियल, एक तो इन तमाम चीज, हाँ अच्छा हाँ ये इसको यहाँ रखे हैं मेरे ख्याल है, ठीक है ये इसका कलर देखें आप, ये कलर देखें बहुत पावरफुल है और हर कोई यूज कर सकता है, और इसकी अगर आप इसको एज बहुत छोटे बच्चे ना हो
आठ दस साल के बच्चों से लेके फिर आप कर सकते हैं, और इसको कम से कम 24 आवर्स आप धूप में रखें, ठीक है। ये बहुत पावरफुल है, टॉनिक भी है, आपके स्ट्रेच मार्क्स को ख़त्म करेगा, आपके मसलों को ख़त्म करेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके यहाँ पे आपके जो एक नेक होती है, जो कालक आती है, जो बहुत मुश्किल से जाती है, नेप ऑफ द नेक, ठीक है, ये बड़ी मुश्किल से जाती है। आप कोई भी क्रीम लगाएं, अगर आप तो इसे रंगत भी साफ होगी, मतलब नहीं 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 रंगत तो नहीं होगी, तो मगर गर्दन जो काली हो जाती है, जो गर्दन जो आपकी पिगमेंटेशन आती है वो आती है फंगस से, पसीने से, फंगस को ये मारेगी, ठीक है। और ये तेल में आपको तेल का टेक्सचर, ये ग्रीन ब्लैक, ये बहुत पावरफुल किस्म का, और ये थोड़ा सा रतन जौ से इसके अंदर रेडनेस भी आती है, ठीक है, बिल्कुल डरे नहीं, नहीं मैं कह रही हूँ छींटे ना पड़े कपड़ों पे, क्योंकि आज हमने सफर करना है। कहाँ जा रही हैं भाई? हम भी लाहौर जा रहे हैं और बिल्किस आपा भी जा रही हैं लाहौर 18 तारीख को, है ना, बिल्किस आपा 19 को, वहाँ पर आप कहाँ होंगी? सिवाय होटल में, ठीक है, और वहाँ पर आप लोग आके आपसे मिल सकते हैं? बिल्कुल, लोग मिल भी सकते हैं, मेरी पूरी नेचुरलाइज की टीम जा रही है। बहुत सारे लोग फेसबुक पे सवाल कर रहे थे कि एलोपेशिया का ट्रीटमेंट होगा या फेशियल्स वगैरह होंगे, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होगी, ठीक है, पूरी पूरी टीम के साथ, और डॉक्टर फराह भी होंगी जो कॉस्मेटोलॉजी का काम करेंगी। आपकी बहुत ज्यादा जो आपने झाइयों के लिए बताया, झाइयों के लिए क्रीम है और बटरफ्लाई तो बता दिया, झाइयों के लिए हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं, एक्ने के निशान रह जाते हैं, खड्डे होते हैं, उन तमाम चीजों को क्लियर करने क्यों रहे हो? मैंने कहा कोई नई चीज बता दो, नई चीज है सनम, बिल्कुल नई है, हां बस सही है, वही बताएं, इतना डर क्यों रही है, पता नहीं। अच्छा अच्छा, एक वो दे दे मुझे ब्लेंडर, कोई डांटता नहीं है ना। अच्छा ब्लेंडर, ब्लेंडर का ब्लेंडर है यहां, नहीं ब्लेंडर ये रह गया सामने से ले लेते हैं, और कोई बता भी नहीं था कि ब्लेंडर सामने। अच्छा क्या करना है, आधा काम यहाँ पे कर लेते हैं, मुझे आ जाओ, यहाँ आ जाओ ना लेके, हाँ मुझे यहाँ पे लेकर आ जाओ, आ जाए ना, आ रही हूँ, आ जाओ, जग दे दो या पूरा, एक से मुझे दे दे निकाल के, लाओ मैं ले आता हूँ, है यहाँ लगा हुआ है, लगा हुआ है, जग चाहिए, जग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम डालेंगे जी इसके अंदर, ये देखिए लारे गाँव, ओके हो ना, ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत देर तक क्रीम की आवाज नहीं आती ना, मुझे लगता है खुदा खासा कोई कोई मसला ना हो गया हो किसी, ये देखिए ये पतला वाला नारियल, ठीक है, पतला वाला वो जो क्रीम क्रीम निकलती है, वो क्रीम वाले नारियल का है ना, मलाई वाला, मलाई वाला, ठीक है, मुझे पसंद है ये, इसके साथ सनम दालचीनी का पाउडर, जी सनम का पसंदीदा, अच्छा इसमें डालो, ये आप दानों के लिए, खड्डों के लिए, खड्डों के लिए, और जाएं ब्राउन शुगर सनम से डलवा दो ना चीजें, हम हाँ हाँ बिल्कुल, कितना, ठीक है, ये दो दो टेबलस्पून डालो, ठीक है, ठीक है। अच्छा ब्राउन शुगर क्यों, व्हाइट शुगर क्यों नहीं? ब्राउन शुगर नेचुरल होती है, वो केमिकल ट्रीटेड नहीं होती, ठीक है, नेचुरल होती है, गन्ने से बनती है, तो और बहुत अच्छा, गुड़ क्यों नहीं, गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। अच्छा जी ये डालेंगे जी चावल का आटा, ठीक है, दो चमचे चावल का आटा खाने के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा एक मुल्तानी मिट्टी का, मैं बताऊं, जो हाँ ये पूरा ऊपर का डालो, पूरा एक चमचा भर के, अरके गुलाब में है ये ऊपर वाला, ठीक है, ये सही है, यस परफेक्ट, ओके नेक्स्ट, चुटकी हल्दी, चुटकी भर हल्दी, दो चुटकी हल्दी, एक चुटकी, दो चुटकी हल्दी, चुटकी हल्दी की कीमत तुम क्या जानो सुंदर। अच्छा भाई मैं इसको हाथ लगाऊंगी तो वो नेल्स जो है ना वो येलो हो जाते हैं, ये रही चुटकी, चुटकी एक चुटकी और एक और दूसरी चुटकी और दो चमचे शहद। अच्छा मैंने कहा दो चमचे डाल दें, नहीं नहीं दो चमचे शहद, दो चम्मच, यस, ये आपकी स्किन के लिए, खड्डों के लिए, दानों के लिए, झाइयों के लिए, एक्ने के लिए, अच्छा हाइपर पिगमेंटेशन पस वाले दाने भी ना खत्म करेंगे बिल्कुल। अच्छा एक इसके अंदर ऐड करेंगे, और कौन है जो ये ना लगाए, कौन से स्किन टाइप है जो ना लगाए, जिसकी बहुत ऑयली स्किन हो वो ना लगाए, वो अवॉइड करें, वो पहले अच्छा टोनिंग करें फिर लगाए। मेरे एक भाई ने जो है वो बहुत सारे अच्छे सवाल किए थे, तो मैं वो सारे सवाल पूछूंगी, रियाज भाई सारे सवाल पूछूंगी, भाभी के, भाई के, अम्मा के, कि कौन इस्तेमाल ना करे नारियल का पानी, बाद में रिपीट करती हूं। बिल्कुल। अच्छा ये आधा ट्यूब ये डालोगी, मैं लोगों को नाम याद दिला दूं, ठीक है, इसके अंदर है अल्फा आर्बिटिन,
अल्फा ग्लो, हाँ जस्ट ग्लो, इसके अंदर आधा अल्फा आर्बिटिन और मैप से याद रखने मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट लेटेस्ट सॉल्ट है दुनिया भर में, ठीक है, ये आपके चेहरे को बिल्कुल क्लियर करते हैं। और अभी लगा के देखो, हाँ देखो जरा लाइट्स ऑफ करें, लाइट्स ऑफ करें, लाइट्स ऑफ करें, चमक रहा मेरा हाथ, चमक रहा है, लाइट्स ऑफ करें। किडनी डायलिसिस थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, अरके गुलाब है यहाँ पे, अरके गुलाब कोई बात नहीं, नारियल का पानी, नारियल का तेल डाल दें, नारियल का पानी, थोड़ा हाँ। नारियल का तेल डाल क्या दे? बिल्कुल नारियल का दूध डाल दें, नारियल का, ये देखिए ये रखा हुआ है, ये और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा बसी डाले बस, नारियल का पानी हाँ। अब ब्लेंड हो जाएगा, क्रीम बन जाएगी। अच्छा वैसे कोशिश कीजिए, नारियल का पानी, ये तो नारियल का ऑयल था ना, हाँ। हाँ। ये नारियल के लिए ना, क्योंकि इसमें और कोई चीजें नहीं, इसमें हमें क्रीम ये डालते हैं ना, ये देखो ये बड़ी जबरदस्त बनेगी, अच्छा है ना, खोल अब ये क्या है, ये नारियल का देखो, ये नारियल कोकोनट मिल्क, ये और आपकी स्किन को कोकोनट क्रीम क्या काम करेगी वो भी हम आपको बताएंगे, और बहुत सारे सवाल जो रियाज भाई ने हमसे किए वो भी हम आपको अभी बताएंगे, और सारा का भी जवाब वो जो आपने देना है, वो जो नस्ते और ये सब, वाव खूबसूरत, असल में पहले लिक्विड वाली चीजें डालनी चाहिए ना, फिर ऊपर से वो डालनी, अब जो क्रीम बन रही है, अच्छा इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रखें इसको, और ये नहीं कि आप जब लगाने लगे हाथ से उंगलियां ना डालें, इसको कवर करके प्लास्टिक से रखें और निकालना, और चमचे से निकाला आपने और फिर लगा के फिर रख दी, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, हर कोई लगाए देखे बहुत अच्छा इफेक्ट इसमें, अभी वारिस को लगाते हैं ना सामने खड़ा हुआ है, अरे को लगाएं, ये रखो निकालो, गिरेगा नहीं तुम्हारे कपड़ों पे, बेफिक्र हो जाओ, नहीं ना डरो नहीं, डरो नहीं, ये हां मैं तो कांप रही हूं, मैं डर रही हूं, मैं डर रही हूं, गिर जाएगा फिर तो फिर तो गिर जाएगा, ये थोड़ा सा पीस, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दे जाने दे, अच्छा। पता नहीं चलेगा भाई, वारिस आ जा मेरे भाई, वारिस चमचे से इसको ब्लेंड कर लो, ये ले लो वारिस, मेरा कहना नहीं मानोगे, वारिस भाई वारिस मतलब मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ होस्ट की इतनी बेइज्जती, वारिस भाई कहाँ, वारिस आ जाओ मेरा बच्चा, वारिस 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 भाई के लिए आ जाए, आ जाए ना वारिस भाई, अच्छा है वारिस आ जाए वहाँ पे बैठ जाए, अरे भाई वारिस भाई के लिए बहुत सारी तालियां, भाई मेरी टीम की पुरजोश, एक फरमाइश किसने की थी ताकि वारिस बाद में जाके उसी को डंडे मारे किसको, पापा 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 कॉल, वारिस के पापा ने कॉल की थी कि वारिस को क्रीम लगेगी अच्छा ससुर को पापा कहते हैं, पापा जी आपकी इस फरमाइश पे आपके दामाद को हम क्रीम लगा रहे हैं, चले लगाऊं सलाम, चल जी आप, बहुत अच्छा फील है वारिस भाई, बड़ा सीरियसली बहुत क्लियर, सीरियसली वारिस सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सीरियस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है लड़कों का, ये होता है वारिस कांपो मत, अब पता चला ना लाइव शो करना कितना मुश्किल होता है, वारिस चलाओ नहीं, भाभी देख रही होगी ना, दुबली पतली हमारी इतनी क्यूट भाभी, आपकी सोच है पता है, लड़के सूरज में जाते हैं, सूरज में जाते हैं, मोटर बाइक पे जाते हैं, ठीक है, और आपका पूरा आठ शेव लोशन लगा, भाभी पहचान लीजिएगा, यही आपका शौहर आज चमक के आएगा आपके घर पे, नहीं बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, और बड़ी सूदिंग क्रीम है, और इसे ये जो ये पिगमेंटेशन आ गया, क्या कहते हो वारिस भाभी का नाम, नाम दे दो दरक्षा, दरक्षा प्यार से लो दरक्षा नहीं बोलो दरक्षा, दरक्षा तंग कर रही है, आई लव यू दरक्षा, मुझे डांटा कम करो, बोलो दरक्षा आप ही काफी है ना डांटने के लिए, तुम भी डांटती हो घर पे आता हूँ नहीं चेहरा देखें बड़ा दरक्षा की कोई एक अच्छी बात भाभी की, सारी अच्छी बातें, लेकिन कोई एक खास बात जो आपको बहुत पसंद हो, खाना टाइम पे मिल जाता है खाना टाइम पे मिल जाता है, अच्छा देखिए ये सनम ये मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोच समझ ना वो बेगाना,
मुझे बताए क्या करना है देखिए अच्छा ये देख रही होंगी अभी आपको देखिए ये लड़कियों के बहुत होता है एक सेकंड मेन सवाल आया भाभी क्यों नहीं देख रही होंगी टीवी आपका शो नहीं देखती वो रोज इसको घर में देखती है इसको क्यों देखेगी भाई भाभी की तबीयत खराब है अरे हॉस्पिटल में हो सकता है समा चल रहा हो अभी देख रही हूँ खुश हो रही हूँ खैरियत क्या हुआ वारिस तो कोई सीरियस बात है सीरियस बात तो तुम रो क्यों रहे हो नहीं तुमने बताया कि कोई टेस्ट होना है उनका मौसम एकदम ये तो बड़ा अच्छा हुआ मजाक में हमने यहाँ पे वो किया आप आयो तो हम पूरी आवाम से कहते हैं कि भाभी के लिए दुआ करें आमीन खुद बोलो दुआ करें दर्शन आमीन के दरक्षा जल्दी से और दरक्षा को क्या बोलेंगे चले बाद में रिपीट में सुनाइएगा कि देखो दरक्षा में तुम्हारे लिए क्या बाद में बता अभी बताएं कि आप दरक्षा देखो कितना परेशान हो रहे हैं आप दरक्षा मुझे नहीं पता था भाभी से इतनी प्यार करते हैं मुझे नहीं पता था भाभी से इतनी मोहब्बत करते हैं आप बहुत प्यार करते हैं अच्छा कितने बच्चे हैं एक बेटा कितने साल का है दो और वो अब कौन संभाल रहा है बच्चा सास सासू माँ संभाल रही है नाम क्या है उसका मुईस तो उसको यहाँ पे लेकर आया करें सुबह हम संभालेंगे मैं और लारे बहना वाह अरे मेरा बच्चा मुझे तो पता ही नहीं था हाँ क्या हो गया चले भाई जबरदस्त हो गया लड़कों के भी लगने चाहिए और लड़कियों के भी होता है पगले तुमने तो रुला दिया ये लो बहुत अच्छा ये लगा है ना हां इससे हाँ हाँ बाकी इसकी टोन तो बड़ी साफ बता रही है कि नहीं नहीं मैं तो उदास ही नहीं हूँ मैं तो बड़ा खुश हूँ कि भाभी हॉस्पिटल में है ना मेरी बेगम बस बस सेट हो गया बाकी कभी कभी हंसी के पीछे हम लोग काम कर रहे होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और मुझे नहीं पता इस वक्त टीम के किस मेंबर के साथ क्या मसला है कहाँ क्या इशू है मुझे हमें वाकई किसी को नहीं बता था कि भाभी जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आवाम से मैं हमेशा अपने लिए दुआ मांगती हूँ कि भाई मेरे लिए दुआ करें कभी ऐसा शो होता तो मैं कहती हूँ मुल्क के लिए दुआ करें लोगों के लिए लेकिन आज स्पेशली मैं कहूँगी के वारिस भाई के लिए वारिस भाई की वाइफ दरक्षा भाभी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे मैं अपनी माओ से बहनों से भाइयों से सबसे दरख्वास्त करूँगी कि आज जब भी नमाज़ पढ़े और उसके अलावा भी अभी भी अगर आप हमारा शो देख रहे हैं तो दरक्षा भाभी का नाम लेकर उनके लिए दुआ करें कि वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएँ सही हो जाएँ और हमारे वारिस भाई को दोबारा डांटना शुरू कर दें आप घर जाएं फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे जाएं भाभी के पास शो करके पक्का अब मेरी मुर्गियाँ क्यों नहीं संभाली जो अजीज लेकर आया था चला गया था जल्दी में चले गए थे चले अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और भाभी को सेहत दे बारिश के लिए बहुत सारी तालियां एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं कहीं मत जाएगा हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सवेरे समा के साथ खतरनाक है ओके जी वेलकम बैक हम लोग वापस आ चुके हैं वक्त कम है मुकाबला सख्त है और अब बढ़ते हैं हम लोग डॉक्टर ईसा की तरफ जी डॉक्टर ईसा अच्छा जी वेदर क्योंकि ऐसा आ रहा है कि अब स्किन जो है लोगों की ड्राई होना शुरू होगी और जिनकी ड्राई होती है ऑलरेडी उनके लिए तो बहुत अच्छा है तो ये स्किन को बहुत सॉफ्ट और मुलायम रखता है जैसे स्किन कह सकते हैं
आप अपने घर में कैसे बनाएंगे इसको? कोकोनट जो पानी है उसके 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा। इसके और भी फायदे हैं, मैं बताऊंगा आपको। कोकोनट जो पानी है 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा, और आपके घर में अगर कोकोनट मिल्क है तो आप उसके भी 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा। अगर मिल्क ना हो तो मिल्क तो बना ले। अच्छा, बटर आपके घर में होता है, 1 टेबल स्पून आप इसमें बटर ऐड करेंगे। कोकोनट बटर भी होता होगा? जी बिल्कुल होता है, है ना, तो वो भी डाल सकते हैं ना। इसमें आप डालेंगे जौ का आटा। बहुत जबरदस्त चीज बन रही है, ये काम की चीजें बता रहा हूं। किस चीज के लिए बना रहे हैं? सर, हाथ, पांव, पूरा जिस्म मुलायम करने के लिए। मुलायम करने के लिए। बालों पे इसका क्या इफेक्ट है वो भी बताऊंगा। बालों पे? जी। दो आज हमने बालों पे ज्यादा चीजें बताई है ना, और झाइयों पे भी बताया, नारियल और बालों पे। लेकिन ये उनके लिए जो जिनके बाल बहुत ड्राई होते हैं ना, झाड़ू वाले बाल जिनको कहेंगे। जैसे अभी मेरी बहन ने कॉल की, उन्होंने कहा कि बढ़ नहीं रहे बाल। नहीं, उनके लिए अलग रेसिपी बताऊंगा। ठीक है। अच्छा जी। अरे वाह। उसके बाद आप लेंगे एलोवेरा। एलोवेरा जेल अगर अवेलेबल है वो भी ठीक है, और अगर फ्रेश अवेलेबल है तो वो भी। आप 2 टेबल स्पून इसमें ये ऐड करेंगे। और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे आप समंदरी नमक। समंदरी नमक? ये हमारे कराची में तो खैर बहुत है, समंदर के पास पड़ा हुआ। ये मैंने चोरी किया, अभी चोरी नहीं किया, लिया है, इसके हाथ से मैंने छीना है कि मैं पहनूंगी। आधी चमची वो डाल दें आप। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने इसमें ऐड किया है जी कोकोनट का पानी 2 टेबल स्पून, कोकोनट मिल्क हमने डाला है 2 टेबल स्पून, हमने इसमें मक्खन जो है जो भी आपके घर में अवेलेबल है 2 टेबल स्पून वो डालेंगे, जौ का जो पाउडर है हमने 1 टेबल स्पून डाला है, और हमने एंड में इसमें एलोवेरा जो है 2 टेबल स्पून, फिर समंदरी नमक जो है 1 चमची। अच्छा, ये आप पूरी बॉडी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी बॉडी बहुत ड्राई होती है, और अगर सर पे इस्तेमाल करना हो तो आधा घंटा रखिएगा, और बॉडी पे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 मिनट काफ़ी है, उसके बाद आप नीम गर्म पानी से नहा लें। आप अगर सुबह ये अमल कर रहे हैं तो पूरे दिन आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी, लगेगा कि बिल्कुल वो जो। ओके जी, नेक्स्ट हम बना रहे हैं जी एक मास्क फेस लिफ्टिंग के लिए। ठीक है। मतलब ये 15-20 साल की लड़कियों से लेकर 100 साल की लड़कियां लगा सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल। और 100 साल की लड़कियां कितनी उम्र की लगने लगेंगी? ये एंटी एजिंग है, और इसलिए कि इसमें हार्मफुल चीज़ें नहीं हैं, एंटी एजिंग है, या मुसलसल आप अमल करते रहें तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एंटी एजिंग की प्रोडक्ट इतनी सस्ती नहीं होती है, किसी की भी हो। हाँ, क्योंकि बहुत महंगी होती है, तो बेहतर है कि आप इतने पैसे खर्च करें हमारे पास आकर। हमारे पास हमारे क्लिनिक में आने से अच्छा है कि आप खुद ही घर पे बैठ के कर लें। घर में भाई, घर में। मैं तो भाग जाऊंगा इसके शो में, जॉगिंग करता हुआ आऊंगा। डर गए ना? हाँ, खुर्रम मुझसे वैसे नहीं डरता, नहीं, मुझे बहुत प्यार करता है। तो अच्छा सा गाना लगा देना, अच्छा सा गाना, वो गाना है, तुम गाना ही लगाती हो। अच्छा जी, हमने इसमें किया क्या है, एंटी एजिंग मास्क में हमने बनाना लिया था, और उसको मैच करके हमने 2 टेबल स्पून बनाना हमने लिया है, ठीक है। और इसके अंदर अब हम ऐड करने वाले हैं ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं और शुगर भी डाल सकते हैं। यस, 1 टेबल स्पून आप इसमें ये ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद कोकोनट जो वाटर है वो आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, कोकोनट वाटर नहीं घर में है तो आप कोकोनट ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं 1 टीस्पून। वेरी गुड। 3 चीजें हमने डाली हैं, और आखिर में हम इसमें सिर्फ डाल रहे हैं चंद लेमन के कतरे। चले मेरे पास छुरी। हाँ, छुरी छुरी नहीं है तो नहीं है, है, है यहाँ पे है। आज तो मैं खामोश हूँ, चुप। हाँ, अच्छा जी, तुम्हारा खिताब नहीं, खिताब नहीं, खिताब, खिताब नहीं, नहीं, टाइटल। अच्छा, जो है, वो नहीं छीन सकती तुमसे, नहीं छीन सकती। तुम हो या नहीं हो, तुम तब भी होती हो, छुरी होती है। मुझे खुशी है, मैं आपको मैं याद तो रहती हूँ। केला हमने लिया था, केला हमने लिया था 2 टेबल स्पून, और उसमें हमने ऐड किया है जी ब्राउन शुगर 1 टीस्पून, फिर हमने कोकोनट ऑयल या कोकोनट वाटर। ये लिफ्टिंग के लिए, आपकी झुर्रियां अगर हो जाती है, रिंकल्स के लिए, और लेमन के 2-3 ड्रॉप्स।
बस उसके बाद इसका आप लाइट हैंड से स्क्रब करेंगे पूरे फेस पर, 15-20 मिनट रखने के बाद आप इसको धोएंगे। डेली बेसिस पे कर सकते हैं, हफ्ते में 2-3 एप्लीकेशन कर सकते हैं। लास्ट आप क्या? अच्छा, दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा, खासतौर पे थायराइड जो है उसमें हमारा क्या होता है कि अक्सर क्योंकि ये खवातीन में वेट जो है ना वो बड़ा बढ़ता है, उनके लिए गुड न्यूज़ है और ये बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च अब सामने आई है, कोकोनट वर्जन ऑयल जो है। भाई जिसने भी मुझे अननोन नंबर से मैसेज किया मेरी बहन, वो भी आप भी सुन लें। हाँ जी, उनके लिए बहुत अच्छा है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। 1-2 टीस्पून डेली बेसिस पर वो पिया करें, और ये ज़रूरी नहीं कि आप चाय में पिए किसी में पिए, आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं। उसको ये कंट्रोल करता है क्योंकि वो लाइफ टाइम इलाज है, एलोपैथिक में है नहीं, हमारे यहाँ भी 2-2.5 साल लग जाते हैं। तो बहरहाल ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत माएँ परेशान होती हैं कि जी बच्चे को पेट में कीड़े हैं, अब आप हमारे पास 1000 रुपये की दवाई लेने आए। अरे खुदा के बंदे, ये इसका पानी पिलाएं ना, नारियल का, ये 2-4 दफा पिलाएं कोकोनट। ओके ग्रेट, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। फाइनली सारी चीजें मैंने तैयार करके रख ली है। जैसे कि आपने मुझे कीटो डाइट के बारे में बताया, तो आप अपने घर में बना सकते हैं। ये मैंने नारियल की करी बनाई है। आज के जो सारे हमारे मेन्यू की खास बात है, उसमें जो पानी इस्तेमाल किया गया है वो मैंने नारियल का पानी इस्तेमाल किया है, जो इसमें ऑयल इस्तेमाल किया गया है वो नारियल का ऑयल इस्तेमाल किया है, और इसमें भी आप ये पराठा खा रहे हैं और ये रोटी है, इसमें सारी चीज़ें मैंने नारियल की यूज़ की हुई है। इसमें पिसा हुआ नारियल डाला है, नारियल का दूध डाला है, नारियल का तेल डाला है, तमाम चीज़ें मैंने नारियल की इसमें इस्तेमाल की हुई है। आप इसे खा सकते हैं। और आप कहती थी कि आपका वज़न कम होता है, इसलिए होता है कि ये बहुत हैवी हो जाती है। नारियल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है इसके अंदर, कैल्शियम होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और आपको जो भूख लगनी है, क्रेविंग होती है, उसको कम कर देता है। तो आप थोड़ा सा पोर्शन खा के आपका पेट भर जाता है, आप ज़्यादा नहीं खाना खाते, और आपका वेट जो ऑटोमेटिकली ये कम हो जाता है। मैं जल्दी से इसकी डो के बारे में बता दूँ, मैंने बना के रखी थी, मैंने इसमें मैदा लिया था तकरीबन 1 कप, और घर का जो आटा था हमारा चक्की का आटा वो मैंने लिया था उसमें 2 टेबल स्पून, उसमें सूजी डाली थी मैंने 1 टेबल स्पून, और उसके अंदर मैं शामिल किया था नारियल का ऑयल और नारियल का मैंने पानी से इसकी मैंने डो बनाई थी। मेरे पास डो तैयार हो गई, इसी की मैंने रोटी बनाई है, इसी से मैंने पराठा बनाया हुआ है। और पराठे की जो अंदर में फिलिंग की हुई है वो मैंने नारियल लिया था, कोकोनट पिसा हुआ, इसमें बादाम, पिस्ता, क्योंकि इसमें ना मैंने नमक इस्तेमाल किया ना मैंने चीनी इस्तेमाल की है, क्योंकि नारियल के अंदर ऑटोमेटिकली नमकियात होते हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। नारियल पानी आप वैसे ही पी सकते हैं बगैर किसी नमक के, बगैर किसी चीनी के, उसके अंदर वो सारी चीज़ें शामिल है जो कि आप एक्स्ट्रा नहीं लेनी पड़ती, और आपकी बॉडी को वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। अच्छा, ये है करी। करी जैसे कि श्रीलंकन करी है, या हम साउथ इंडियन करी भी इसको कह सकते हैं। ये करी हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत आसान तरीका है। मैंने तकरीबन नारियल का ऑयल 1 टेबल स्पून लिया, उसके अंदर मैंने प्याज इस तरह मोटी मोटी काट के, टमाटर मोटे मोटे काट के मैंने हल्का सा इसको सौते कर लिया, मींस मैंने इसको हल्का सा नरम कर लिया, सॉफ्ट कर लिया, और मैंने इसमें ड्राई मिर्च जो थी वो मैंने उसके अंदर ले ली। ड्राई मिर्च मेरे पास यहाँ बहुत सारी रखी हुई है, मैंने तकरीबन 4 अदद ली सौते करने के बाद। फिर मैंने इसको चॉपर ग्राइंड कर लिया, इसके अंदर कोकोनट, जो मैंने कोकोनट मिल्क निकाला हुआ था इतना सारा मैंने पिसा हुआ कोकोनट लिया, और उसके अंदर मैंने पानी से इसको डिप करके 1 घंटा रख दिया। फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, ब्लेंड करने के बाद मैंने छान लिया, ये है मेरे पास, ये ब्लेंड किया हुआ, इसको मैंने छान लिया, मेरे पास ये आ गया कोकोनट मिल्क। आप इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये कोकोनट था जिसको मैंने इस तरह से भुरभुरा सा हो गया है, जो मैंने इसको पानी में भिगो के रखा था, चटनी बनानी थी लेकिन टाइम इतना कम था, नारियल की चटनी जो कि बड़ी मशहूर है, तो इस वजह से मैंने रखा हुआ था। अच्छा, उसको फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें राई का इसमें बघार डाल के इसको पका लिया है, बना लिया है। इसमें टोटल वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, कोई इसमें दही शामिल नहीं है, कोई इसमें कोई दूसरे मसाले शामिल नहीं है। ये हमारे पास करी मज़ेदार से तैयार हो गई, और ख़ास बात इसकी ये कि इसके अंदर नमक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, क्योंकि कोकोनट में आप कुदरती नमकियात होते हैं। तो ये आपके हेल्थ के लिए मैंने लिया है। जिन लोगों को बड़ा मसला होता है कि बड़ी सुस्ती होने लगती है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारा वेट नहीं कम हो रहा, हमें ताकत नहीं है, बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चे बहुत कमज़ोर है, स्कूल जाने वाले बच्चे, दिमाग नहीं चलता, तो ये सारी चीज़ आप इसको फूड खिलाएं। और अगेन यहाँ पर आ गया है खोपरे की मिठाई, जो कि बड़ी मशहूर होती है, बाजार से अपने बच्चों को नहीं खिलाते, नहीं पता नहीं कौन सा खोपरा होगा, किस तरह से बनेगा, तो मैंने इसको घर में बनाया है। कलर में आती है वो कलर, फूड कलर होता है, लेकिन मैंने फूड कलर इसके अंदर नहीं डाला। चलो करा दी, मैंने नहीं डाला उसे, फूड कलर होता, अगर होता तो बहुत अच्छा होता। 1 टेबल स्पून मैंने नारियल का इसके अंदर ऑयल लिया, ना डालो, बिल्कुल नहीं डालना है, मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नारियल का मैंने तेल, वरना मिठाइयाँ घी से बनती है, मैंने नारियल का ऑयल लिया था, उसमें तकरीबन 1 कप नारियल लिया, हल्की आंच पे इसको पकाया, और उसके अंदर मैंने शुगर का इस्तेमाल किया। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसमें हनी भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर में तकरीबन मेरे पास 1 कप था, तो 2 टेबल स्पून शुगर लिया, इसको अच्छी तरह से पका कर
फिर मैंने इसमें नारियल का दूध डाला, पानी नहीं डाला, नारियल का दूध डाला, इसको पका दी गई। अरे शीरा निकलता गया, ठीक है, शीरा निकलने के साथ साथ फिर मैंने इसको प्लेट पे फैला दिया। और देखिए एक पीस, इसको 2-3 घंटे रखेंगे, एक पीस मैंने निकाल के आपको बता दिया है, इसको गार्निश कर दिया, ये हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब मैं अगर कुछ सेकंड्स में सवाल पूछूं जी तो आप लोग मुझे जवाब दे देंगे। ओके जी, नारियल किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए, जल्दी से। सब खा सकते हैं, सिर्फ उनको जिनके बॉडी में ऑलरेडी गोल ब्लैडर में या किडनी में स्टोन है वो थोड़ा सा परहेज करें, अदरवाइज सब खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हमारी अच्छा। बहन ने एक सवाल किया था, जवाब दे दूं? हाँ, जो कॉलर ने सवाल किया था वो मुझे के किस वक्त नारियल का पानी या नारियल खाना चाहिए, वक्त कौन सा दिन का जो ज्यादा अच्छा है? दिन में सूरज डूबने से पहले जब चाहे आप पी सकते हैं। मैं एक और कॉलर की बात कर रहा था जिन्होंने कहा था बाल नहीं बढ़ते, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, आप अलसी का ऑयल 40 ग्राम लेकर, वर्जन कोकोनट ऑयल 40 ग्राम लेकर, कैस्टर ऑयल 40 ग्राम लेकर, तीनों को मिक्स कर लें, बाल बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है इस मौसम में। और अगर थोड़ा ज्यादा खर्चा करना है तो जोजोबा और मोरक्कन ऑयल को मिक्स कर लें, ये भी लंबे बाल और घने करता है। और एक ने कहा था वेन्स मस्टर्ड, ये जो कोकोनट ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, 10 ग्राम उसमें लेमन ग्रास ऑयल डालें, जिनकी वेन्स के इश्यूज हैं या वरीको वेन्स होती हैं, गुच्छे बन जाते हैं और बड़ी तकलीफ होती है। वो एक कॉलर ने और भी सवाल किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, बस टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, मैं सिर्फ कॉलर का सवाल कर रही थी, ये दो सवाल पूछे, तीसरा भी कोई सवाल था, बच्चों को देना चाहिए नहीं देना? बिल्कुल देना चाहिए, पानी बहुत अच्छी चीज है। और ग्रीन कोकोनट और वो पका हुआ कोकोनट का भी कोई सवाल था, बिल्कुल उन दोनों की क्या? देखिए दोनों के बेनिफिट्स हैं, कच्चा कोकोनट हर जगह मिलता नहीं है, वो तो होता ही है घर में, आप उसको ले सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून से ज्यादा बच्चों को नहीं देना चाहिए। ठीक है, ओके। और कोकोनट से किसी को एलर्जी हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, उनको हो सकती है एलर्जी, तो किसी भी चीज से ट्रिगर हो सकती है। अगर आपको लगे कि आप कोकोनट ऑयल पीते हैं या कोकोनट वाटर पीते हैं, उसकी क्रीम खाते हैं, उसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन होता है तो मतलब वो आपको सूट नहीं कर रहा, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें, हमें इजाजत दें। और मैंने चटनी बना दी, क्या याद करो, ये देखो चटनी बन गई, दिखाए मेरी चटनी, दिखाए चटनी, दिखाओ, मैंने इतनी मेहनत की है, चटनी बन गई है। और आप सबसे इजाजत, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमसे किसी से भी गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज, और कल मिलते हैं, आई लव यू ऑल। ऑडियंस आज बड़ी प्यारी है मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपसे सवाल करूंगी। खुदा हाफिज़।